2020। 2021 फर्स्ट पेपर सॉल्व किया था आज हम 2020 का एक और पेपर सॉल्व करेंगे सो so डैट आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि पेपर का लेवल कहां तक जा रहा है एंड कौन कौन से पोशंस ज्यादा कवर किए जा रहे हैं थ्रू द यूपीएससी ओके लास्ट टाइम हमने देखा 2021 के पेपर में कि करंट अफेयर्स पॉलिटी ज्योग्राफी बहुत डोमिनेट कर रही थी एज आई सेड इन द स्ट्रेटेजी लेक्चर आल्सो आज हम 2020 का पेपर फिर दोबारा से देखेंगे एक सो so हमें एक और पिक्चर क्लियर हो जाए कि हमें तैयारी किस डायरेक्शन में लेकर जाने हैं अपने सो लेट स्टार्ट द ट्वेंटी पेपर ऑफ सी फर्स्ट क्वेश्चन अब हम क्वेश्चन के साथ साथ ये देखते रहेंगे कि कौन से टॉपिक से ज्यादा हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड अ सिविलियन अवार्ड इन द नेम ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द फील्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन टू अभी इस क्वेश्चन के लिए कोई पढ़ने की जरूरत नहीं थी आपके पास अगर आप नॉर्मल न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं डेली की डेली तो आपको यह बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आ सकता था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका बर्थडे 31 ऑफ अक्टूबर को आता है एंड जिनके बर्थडे के दिन 2019 को जब उनका वन बर्थडे चल रहा था तब सरकार ने फिफ्थ अगस्त को जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल लेकर आई एंड इस डेट को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी का स्टेटस दे दिया गया स्टेचू ऑफ यूनिटी भी आप देखते हैं गुजरात में सो so, इसका आंसर तो आप डायरेक्ट खुद ही दे सकते हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया आर्ट एंड कल्चर सॉरी सोशल वर्क एंटरप्रिनशिप आंसर इज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया इसके साथ एक फैक्ट याद क्या रखना है आपको कि 31 अक्टूबर 2019 उनके 144 बर्थडे पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी का स्टेटस मिला इसके साथ ही हमारे पास 28 स्टेट्स हो गए हैं और यूटीज हो गई हैं आठ यूटीज में दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली जो कि पहले डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट थी उनको कंबाइन कर दिया गया है ओके सो राइट नाउ ट्वेंटी स्टेट्स एट यूटीज अब जम्मू कश्मीर को से स्टेट का, uh, दे दिया जाएगा, जाएगा क्वेश्चन था क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के दिन ही एनिवर्सरी के दिन इनको यूटी का स्टेटस मिला इसलिए यहां पर यूपीएससी ने थोड़ा सा क्रक्स खेला और इस क्वेश्चन को ला दिया सो दिस इज हाउ यूपीएससी कनेक्ट द करंट अफेयर विदर स्टैटिक टॉपिक्स सेकेंड टॉपिक शेयरली फ्रॉम द करंट अफेयर ब्रिक्स ब्रिक बना था ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका वॉज द लेटेस्ट वन पहले ब्रिक था ईट थी उसमें एस आ गया था ब्रिक्स समिट ट्वेंटी ट्वेंटी विल बी होस्टेड बाय बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पहले यह क्वेश्चन आते थे कि हु क्वाइन दिस टर्मी बट -E -E अब ये क्वेश्चन आने लग गए हैं कि ये मीटिंग हुई कहां पर थी इंडिया चाइना रशिया ब्राजील डायरेक्ट क्वेश्चन था लो हैंगिंग फ्रूट डायरेक्ट क्वेश्चन जितने भी सबिट्स हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल सार की मीटिंग हो रही है, है एशियान की हो रही है या किसी भी क्वाड की मीटिंग हो रही है या तो उसमें से ये क्वेश्चन आएगा कि वो मीटिंग कहां पर हुई सेकेंड या फिर उसमें से क्वेश्चन आएगा कि उसकी थीम क्या थी कुछ थीम रखी होगी हर चीज की एक थीम रखते हैं हर मीटिंग की तो थीम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है या थर्ड क्वेश्चन वर्स्ट केस आ सकता है कि इनमें से कौन इसका मेंबर नहीं है इससे बाहर चौथा क्वेश्चन नहीं आएगा तो ब्रिक्स आपको पता है कि अराउंड टू थाउजेंड इलेवन में यह बनी थी तो यहां से उन्होंने पहले यह बना ब्रिक लेटर ऑन इसमें एस एड किया गया दैट मेक्स ब्रिक्स साउथ अफ्रीका ओके सो दिस वाज द डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर पार्ट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द होस्ट कंट्री फॉर द वर्ल्ड टूरिज्म डे 2019 2020 के फेब में ये क्वेश्चन हुआ आया है सितंबर में टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है तो यहां से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया 2020 के पहले सीडीएस के पेपर में सो so, इससे एक और इन्फर अगर मैं लगाऊं तो जैसे मैंने आपको कहा कि इस बार के पेपर के लिए आपको जैन से लेकर सितंबर तक के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं सो डैट जो पेपर होने जा रहा है आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सारे ठीक कर सकें सो विच ऑफ द फॉलोइंग द होस्ट कंट्री होस्ट कंट्री पूछा है कि किसने होस्ट करा था यूएसए इंडिया रशिया केनेडा आंसर इज द इनक्रेडिबल इंडिया इंडिया ने इस बार होस्ट किया था वर्ल्ड टूरिज्म को ठीक है तो यहां पर क्वेश्चन डायरेक्ट आया करंट अफेयर का बिल्कुल कि टूरिज्म डे कहां सेलिब्रेट किया गया था आपको बस पिछले लास्ट सिक्स मंथे तरीके से करने हैं आप बिल्कुल लो हैंगिंग को डायरेक्ट सॉल्व आउट करें डायरेक्ट तीनों के तीनों क्वेश्चन अभी तक बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थे फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी ट्रिकी भी जो मैंने आपको बताया था अपने स्ट्रेटेजी वाले लेक्चर में कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो वाले में इलेवेंथ क्लास की एनसीआर के जो लास्ट की ग्लॉजरीज हैं वो पढ़नी है ये ग्लोसरी से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने एंड इनमें से कुछ टर्म तो आपने सुनी भी होगी फर्स्ट बता रहा है परफेक्ट मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपोली अब इनको मैच द फॉलोइंग में जोड़ना है कि किससे से ये जुड़ रहा है ओके okay? सो so, फर्स्ट इज द परफेक्ट वन सेकेंड इज मोनोपली मोनोपोलिस्टिकोपेली अब इसमें से मोनोपली वर्ड तो सबने ही सुना होगा कि भाई मोनोपली हो गई भाई एक ही बंदा है उस चीज को बेच रहा है एक मार्केट है उसमें एक ही बंदा है खाली वही उस चीज को बेच रहा है तो क्वाइट ऑबियस है उसकी एक मोनोपली क्रिएट हो जाएगी सो so मोनोपली का यहां पर अगर हम देखेंगे तो द फ्यू प्रोड्यूसर सेलिंग सिमिलर टू ऑल सिमिलर प्रोडक्ट ओनली वन कॉम्पिटिशन प्रोड्यूसर सेलिंग द वन कॉमेडी सो बी वन किस किस में ऑप्शन में आ रहा है हमारे पास बी और सी में खाली बी और सी में हमारे पास बी का वन आ रहा है, अब हो गया, को हमने जोड़ना है क्योंकि ये बाकी सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. Okay? अब perfect. Perfect का अब इसमें. क्या है कि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो सारी चीजें बेच रहे हैं भाई किसी एक को मोनोपोली नहीं दे भी. बहुत सारे प्रोड्यूसर एक ही चीज को बेच रहे हैं सिमिलर प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं तो ए का फोर ठीक है ये बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी अब मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट किया मैंने सबसे सिंपल चीज इसमें से निकाल ली भाई मनोपली मुझे पता होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूज होता है हर रोज न्यूज पेपर में तो मनोपली मैंने निकाल ली ओनली वन कॉम्पिटिशन प्रोड्यूसर सेलिंग वन कॉमेडिटी एक ही बंदा चीजों को बेच रहा है तो बी का वन तो अब ये ए ऑप्शन कट गया डी ऑप्शन कट गया अब मेरे पास रह गया ये दो ऑप्शन बी और सी जिसमें ए का फोर है ए का टू है अब मुझे ए को देखना है कि वो चार के साथ मैच कर रहा है या दो के साथ ए था परफेक्ट परफेक्ट को मैंने देखा कि मैंने प्रोड्यूसर सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स। सिमिलर प्रोडक्ट्स मतलब परफेक्ट कंपटीशन है भाई सब इक्वल चल रहे हैं ठीक है किसी एक के पास मोनोपली नहीं थी तो ए का फोर था तो मैंने आंसर कर दिया यहां पर फोर वन थ्री टू सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन जब आपको पता हो कि इसमें से मुझे कुछ टर्म्स नहीं पता हैं, तो आप प्लीज उसमें से एक सिंपल टर्म निकाल लीजिए इसमें था मोनोपली आपने देखा फर्स्ट को मैच कर रहा है तो आपने ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए अब रह गया ए ए को आपने फोर और टू के साथ मैच करा आपने देखा फोर के साथ तो मैच कर रहा है तो आंसर विल बी बी दिस विल बी द करेक्ट आंसर बी वन ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चार सौ रुपए कमा रहा है इन हर विलेज ओके टाउन में उसको शी गॉट जॉब ऑफ बेबी सीटर बेबी को संभालने के लिए उसको सात सौ रुपए मिल रहे हैं चार सौ रुपए उसे अपने गांव में मिल रहे हैं ठीक है शी चूज टू वर्क एज एन एग्रीकल्चर लेबर ऑफ द फॉलोइंग इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द लेबर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि कितनी कॉस्ट उसने लूज कर दी द अपॉर्चुनिटी लूज कि क्या अपॉर्चुनिटी उसने यहां पर लूज कर दी जो उसको यहां पर मिल सकती थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन सात सौ रुपए उसे मिल सकते थे बेबी सिटर के माइनस चार सौ रुपए अपने गांव में ही मिल रहे हैं सो द आंसर इज तीन सौ रुपए तीन सौ रुपए उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी जो उसने लूज कर दी सो द आंसर विल बी थ्री हंड्रेड डी ऑप्शन डायरेक्ट क्वेश्चन था बिल्कुल कोई इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं थी इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था कि कितना लॉस हो रहा है यहां पर इस जॉब के कारण ठीक है सो दैट इज 300 इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टॉपिक एक अलग से आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे बट यहां पर तो बिल्कुल डायरेक्ट ही था ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सेंसर्स का क्वेश्चन एज आई सेड इन द अर्लियर क्लास आल्सो इस बार आपको सेंसर्स से क्वेश्चन दिखेगा

प्लस जो 2 2011 का सेंसर था वो हमारे पास था शोशोर इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था इस बार कास्ट सेंसस नहीं होगा नॉर्मल सेंसस आएगा तो इस बार शायद सेंसर से आपको क्वेश्चन दिखे सेंसस कब स्टार्ट हुआ था 1881 में सबसे पहला सिंक्रोनाइज सेंसस कब आया 1872 में देन मेयो के टाइम पर आपको भी सब कुछ पता होना चाहिए कि किसके टाइम पर सेंसस आया और किसके टाइम पर नहीं आठ इंडिपेंडेंस से पहले हो चुके हैं आठ अब उसके बाद सो सेंसस प्लीज अच्छे से पढ़ना इस बार के लिए यूपीएससी के सेकेंड सी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन था जो हमारा अकॉर्डिंग टू द सेंस ट्वेंटी इलेवन इंडिया वट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल टू बी माइग्रेंट इंटरनल सेटल इन डिफरेंट फ्रॉम देयर प्रीवियस रेजिडेंट इंटरनल माइग्रेशन जो हो रखी है अराउंड कितनी परसेंट है ये था फैक्ट क्वेश्चन डेटा बेस्ट क्वेश्चन सो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है तो इसमें कोई भी तुक्का मारने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये डायरेक्टली हमारे पास फैक्ट बेस क्वेश्चन आया है और फैक्ट भी वो आया है लिटरेसी रेट सेक्स रेशियो अगर कुछ ऐसा पूछा गया होता तो आप इसको डायरेक्ट आंसर दे सकते थे बट यहां पर पूछा है इंटरनल माइग्रेशन, पर आंसर है थर्टी सिक्स पॉइंट एट परसेंट है ये, तो आंसर इज आंसर था 35 is the right answer. तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते थे क्योंकि यह क्वेश्चन आपका गलत हो सकता था अगर आप तुक्का मारते बिकॉज ये जो डेटा है बहुत ही कम लोग हैं जो पढ़ के जाएंगे कि इंटरनल माइग्रेशन आउटवर्ड माइग्रेशन कितना होता है ये क्वेश्चन था जो आपको गलत करवाने के लिए लाया गया था यहां पर पॉइंट टू सेवन के लिए बिकॉज सेक्स रेशियो लिटरेसी रेट ये सब पढ़ के जाते हैं हाइएस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट लोवेस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट हाइएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ये सब पढ़ के जाएंगे ये डाटा बहुत ही रेयरस्ट ऑफ द रेयर कोई पढ़ के जाएगा ओके okay. नेक्स्ट फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी मीन्स द मेन एग्जीक्यूटिव एजेंसी इन इंडिया फॉर द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जिसका हेडक्वार्टर हमारे कहां पर है कीनिया में नेरोपी में अगर यह हेडक्वार्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है तो नेरोपी में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अब इन्होंने होम अफेयर्स ये पहले तीनों तो आप देख के लगेगा आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो आंसर इनमें से हो सकता है चौथी वाली मिनिस्ट्री इन्होंने जानबूझ के दी मिनिस्ट्री ऑफ होम वो क्यों दिए मैं बताता हूं आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट बिकॉज जो डिजास्टर मैनेजमेंट की है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इट फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बट द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ मिस्टर नरेंद्र मोदी ओके सो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो होते हैं इसके वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जैसे राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एंड इट फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बट यहां पर पूछा है यूनाइटेड नेशन की नेशनवायरमेंट प्रोग्राम का सो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नेक्स्ट क्वेश्चन विच द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट एडिशन टू द आयुष आयुष ग्रुप ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम हेयर आयुष ए स्टैंड फॉर आयुर्वेदा स्टैंड फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी यू स्टैंड फॉर यूनानी एच स्टैंड फॉर सिद्धा एंड एच स्टैंड फॉर होम्योपैथी सो आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी अलग से बन चुकी है आपको पता होगा सो so, यहां पर पूछा है कि इसमें से लेटेस्ट कौन सा ऐड किया गया है अगर आप, आप नाम देख के चलेंगे आयुष तो आप कहो कि सबसे पहले सर, में एच आया है आपने बताया था कि सर ब्रिक्स में सबसे लास्ट में एस आया है तो साउथ अफ्रीका ऐड हुआ है तो यहां पर आंसर होना चाहिए था होम्योपैथी आपका दिमाग यह चलेगा अब यहां पर ठीक है होम्योपैथी आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा आंसर इज द यूनानी यूनानी इज द लेटेस्ट वन विच गेट्स एडेड इन टू आयुष ग्रुप आयुष से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया आयुष 64 जो कि कोविड की एक टैबलेट भी बताई गई थी आयुष उस टाइम पर न्यूज में चल रहा था ठीक है तो आयुष से उन्होंने क्वेश्चन निकाल दिया ये आयुष से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता था कि कौन से मिनिस्ट्री में फॉल करता है वो पूछेंगे नहीं क्योंकि आयुष इट से मिनिस्ट्री वन आयुष 64 से क्वेश्चन पूछ सकते थे साइंस एंड टेक में बिकॉज इसकी टैबलेट यूज करी गई इन द कोविड टाइम बट यहां पर क्वेश्चन पूछा गया लेटेस्ट एड कौन सा हुआ है तो द यूनानी सो आयुष क्वेश्चन कैसे पूछा जो करंट अफेयर में चल रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ठीक है आईपीआर जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो मिलते हैं इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन था ये इकोनॉमी का लगा लो करंट अफेयर्स का लगा लो डायरेक्ट क्वेश्चन था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कोई मतलब नहीं होगा इसका इस चीज से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है कॉमन सेंस डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड नाम से ही पता चल रहा है इंडस्ट्री एंड ट्रेड आंसर इज सी वन लास्ट था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जिसका नाम अब हो गया है एम ओ डी नॉर्ट मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी एमओ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पहले था एचआरडी मिनिस्ट्री अब नाम हो चुका है इसका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन

नाउ इलेक्शन कमीशन सबसे पहले बना हमारा जनवरी 1950 में प्लानिंग कमीशन जो कि मार्च 1950 में दोनों के दोनों इसमें बने 50 में अब इस कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए मैंने सेम आपको हिस्ट्री में बताया था केक चंपारण अहमदाबाद खेड़ा कि ये दोनों के दोनों अप्रैल में हुई थी बट वो पूछते हैं पहले कौन सी हुई थी आंसर केक वन सो प्लानिंग कमीशन मार्च नाइनटीन

अगर किसी को पता होगा तो वो इस चीज को कनेक्ट कर लेगा एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन बिल्कुल लेटेस्ट बना था तो ऑप्शन तो हो गए थे इलेक्शन तो नहीं, नहीं आया, है कि आया है. तो अगर यहां पर जो बेसिक आपने का चैप्टर करेंगे तो आप पढ़ेंगे कि ये जनवरी में बना है और ये मार्च में बना है सो so, ये था ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑफ इंडियन पॉलिटी नेक्स्ट द नेशनल वाटर अकेडमी एनडब्ल्यू इज लोकेटेड एट इस क्वेश्चन को देख के तो बहुत खुशी होगी क्योंकि यहां बहुत से हमारे कैडिट्स जेंटलमैन कैडिट्स पास होते हैं खडकवासला जहां पर नेशनल डिफेंस अकेडमी है ओके खडकवासला में।, है? में देहरादून भी था जहां पर हमारे पास आई एम ए इंडियन मिलिट्री अकेडमी है नेक्स्ट विच द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ड्रेन इन टू द ब्लैक सी ज्योग्राफी का क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन जब जोग्राफी हम करेंगे तो उसमें आप वर्ल्ड जोग्राफी में सातों के सातों कॉन्टिनें करेंगे एंड उन कॉन्टिनें में आपको मेजर रिवर्स करनी है एंड मैप आपको अपने आगे रखना है एटलस को हरदम एटलस पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन होगा जैसे इंडिया वाले क्वेश्चन में भी पेपर में भी आता है इंडिया वाले पार्ट से विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल इन द अरेबियन सी ये तभी पता होगा जब आपको ऑब्जर्वेशन होगी मैप की ऑब्जर्वेशन आपके लास्ट एस एस बी तक द फर्स्ट लेक्चर जो हाउ टू ज्वाइन आर्मी वाला एक लेक्चर हमने देखा था उसमें मैंने आपको कहा था कि मूल मंत्र जो है वो है ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन करके चलोगे हर क्वेश्चन ठीक होगा ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था बोलगा डॉन डेन्यूब वाली आंसर इज द वोल्गा, कैस्पियन सी के अंदर ड्रेन करती है अपने पानी को नॉट इन द ब्लैक सी ओके सो ये क्वेश्चन था वर्ल्ड जॉग्राफी का ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन इसके लिए एक ही एडवाइस दूंगा प्लीज जब तक जॉग्राफी करो एटलेस अपने आगे रखना इंडियन जोग्राफी हो वर्ल्ड जोग्राफी हो कोई भी हो आपको एटलस आगे रखनी है एक्लेस आगे होगी तो ये वाले क्वेश्चन आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे क्योंकि इन वाले क्वेश्चन से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में कि ब्लैक सीज के कनेक्टेड कौन कौन सी कंट्री हैं या तो ये क्वेश्चन आएगा आपको जैसे मेडिटेरियन के लिए क्वेश्चन आता है कि मेडिटेरियन सी से कौन कौन सी कंट्री कनेक्ट होती है ब्लैक सी से कौन कौन सी होती हैं बाल्टिक सी से कौन-कौन सी होती हैं बाल्टिक कंट्रीज हैं ऊपर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं तो या फिर क्वेश्चन आएगा रिवर का रिवर के क्वेश्चन के लिए आपको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी तभी ये क्वेश्चन आपका ठीक हो सकता है नेक्स्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया ऑफ इंडिया परटेनिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत पंचायत का जो है पार्ट नाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने किया था पंचायत नाइन ए हमने किया था म्यूनिसपालिटीज नाइन बी हमने किया था कॉपरेटिव सोसाइटीज जो कि अब डिलीट होने वाला है अगर वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गया तो ओके okay. ये पूछ रहा है कि कौन से स्टेट में जो इंस्टीट्यूशन है पंचायत का ये फॉल नहीं करता है या अप्लाई नहीं होता है मेघालय त्रिपुरा आसाम गोवा आंसर इज द मेघालय मेघालय में नागालैंड में यहां पर यह एग्जीक्यूट नहीं होता है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आया ये आपके फर्स्ट चैप्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से द द द शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार रिलेटेड है अगेन द पंचायत बैक टू बैक क्वेश्चन थर्टीन फोर्टीन पंचायत से आ गए हैं एंड हमने 2021 का पेपर भी देखा था उसमें पंचायत के तीन क्वेश्चन थे पंचायत के बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं सो द इलेवन यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आई एम सॉरी बिकॉज ये पंचायत रिलेटेड है तो यहां पर स्टेट का मतलब ही क्या है स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पंचायत कैन बी कंसिडर्ड म्यूनिपैलिटीज ट्वेल्थ शेड्यूल में है बाहर कर दीजिए ग्राम सभा एंड द पंचायत अब ऑप्शन बच गए हमारे पास बी और डी दो ऑप्शन हमारे पास अब बच गए अब इन दोनों में से एक कोई आंसर होगा सो द आंसर इज द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पंचायत स्टेट और पंचायत के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन करी गई है हमारे पास वो शेड्यूल में बताई गई है ट्वेल्थ शेड्यूल डील्स विद विद्युनिपैलिटीज हमारे पास बारह शेड्यूल है ओके सो टेंथ शेड्यूल विद बेसिकली डील्स विदिफेक्शन इलेवेंथ विदायत ट्वेल्थ विद द म्यूनिस्पैलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन तो अभी तक हमारे पास चौदह क्वेश्चन हुए चौदह में से एक सेंसर्स वाला क्वेश्चन था हमारा ठीक है जो थोड़ा सा ट्रिकी था जिसको छोड़ा जा सकता अदरवाइज तेरह क्वेश्चन ऐसे थे जो गेम बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन थे नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली ट्वेन क्वेश्चन 25 क्वेश्चन होते ही हमारा मिशन 25, 20 ट्वेंटी मार्क्स लेने वाला कोटा पूरा हो गया तो आप देख रहे हैं पेपर किस लेवल पे है कि पहले क्वेश्चंस ही हो रहे हैं एंड इसका ऑपोजिट मैंने आपको बताया था कि अगर पहले कुछ पेपर आपको लगता है चार या पांच पेज डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए हैं घबराना नहीं उस टाइम पर आपने बिल्कुल नहीं पेपर को पलट दो पीछे से स्टार्ट हो जाओ ठीक है एंड सबसे पहले इन दोनों से पहले ट्रिक तो मैंने आपको ये सिखाई थी कि जो स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट है फर्स्ट गो में वो जाने दो सेकेंड गो में सेकेंड सब्जेक्ट थर्ड में ये उसके बाद फिर दोबारा से पेपर को घुमाओ इससे आप बिल्कुल भी पेपर में घबराएंगे नहीं क्योंकि मैंने आपको बताया था यूपीएससी कई बार पहले चार पेज इस पर पे इतने हार्ड क्वेश्चन देती है कि वो चारों पेज पहले जो बच्चा पढ़ता है वो आगे अपना कॉन्फिडेंस ही लूज कर देता है तो चारों पेज में अगर आपको लग रहा है पेपर नहीं आ रहा लिव इट छोड़ दो एंड पांचवे पेज से स्टार्ट हो जाओ पांचवे पेज पे आपको क्वेश्चन इसके बिल्कुल एंटोनमस सिनोनिम बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिखेगा एंड आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो छोड़ने ही ठीक थे एंड लेटर ऑन आपको लगे कि इनमें दिमाग लग रहा है देन सॉल्व इट इट अदरवाइज लिव पार्ट टू लेट ऑन द मैटर टू द इलेक्शन ऑफ पंचायत पंचायत का तीसरा क्वेश्चन आपको इसमें देख गया आप कि कौन है, जिस जो लेजिसलेट करता है पंचायत ठीक करा होगा स्टेट लेजिस्लेचर वाला वो अगले क्वेश्चन इसमें तो फंसेगा ही नहीं क्योंकि आंसर इज द स्टेट लेजिस्लेचर कौन करेगा लेजिस्लेट स्टेट जिसने फोर्टींथ क्वेश्चन ठीक किया वो फिफ्टींथ ऑटोमेटिकली ठीक करेगा नेक्स्ट इज दिक्सटीन क्वेश्चन द हंटर कमीशन एजुकेशन के लिए जो बना था मॉडर्न हिस्ट्री में 1882, 1881 द फर्स्ट एटी सेंसस वो फर्स्ट अनसिंक्रोनाइज सेंसस ठीक है अपॉइंटेड टू सर्वे द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू हंटर कमीशन फर्स्ट यहां पर डेप्रिकेटेड यूनिवर्सिटी एजुकेशन ओवर रूल द डिस्पैच ऑफ एटीन फिफ्टी फोर वोट डिस्पैच इंक्लूज द डिस्पैच ऑफ एन फिफ्टी फोर विद ग्रेटर इंफेसिस प्राइमरी एजुकेशन क्रिटिसाइज द स्कूलिंग क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है एजुकेशन हंटर कमीशन बना था सी वन इट इंक्लूज द डिस्पैच ऑफ एटीन फिफ्टी फोर एटीन फिफ्टी फोर का जो डिस्पैच था बट विद ग्रेटर इंफेसिस ऑन प्राइमरी एजुकेशन डैक टू ऑन द वर्नाकुलर एजुकेशन की वर्नाकुलर लैंग्वेज में स्टार्ट हो सो हंटर कमीशन ने ये यहां पर एडवाइस दी थी सो द आंसर इज सी ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री अभी तक आप देख रहे हैं सोलह क्वेश्चन हो गए एक क्वेश्चन है सेंसस उसके अलावा बाकी सब क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन थे नेक्स्ट द स्टेट ऑफ हैदराबाद द प्रिंसली स्टेट वंस द प्रिंसली स्टेट ठीक है इन टू इंडियन यूनियन इन द ईयर अब आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जिन्होंने पूरे देश को जोड़ा था होम मिनिस्टर उस टाइम पर अराउंड 565 में से 543 ने इंडिया में आने के लिए रेडी हो गए थे बाकी बाद में कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने थोड़ी बहुत आनाकानी करी थी कि किस साइड जाना है और किसने किसने कहा जाना है और कहाँ नहीं इंडिया और पाकिस्तान लास्ट में हमारे पास तीन तंसली स्टेट्स बचते हैं हैदराबाद जूनागढ़ एंड कश्मीर अब इन तीनों में जूनागढ़ को बाय द मिलिट्री फोर्स मिलिट्री एक्शंस ला दिया गया कश्मीर के साथ हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन एड हुआ जिसमें उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया एंड इसके अलावा उनके एक्सटर्नल अफेयर कम्युनिकेशन डिफेंस जिनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट की ही से रहेगी ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में लिखा गया हैदराबाद निजाम जिन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था जो कि इंडिया के साइड पे आने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हो रहे थे ऑल तो जूनागढ़ भी नहीं हो रहा था बट इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है कि वह यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए फेमस थे उन्होंने पूरे देश को बाढ़ यहां पर जोड़ दिया ओके okay? सो so, हैदराबाद को बाय अ स्पेशल ऑपरेशन ऑपरेशन नेम इज पोलो पोलो गाड़ी अब जब भी देखे तो याद रहे ऑपरेशन पोलो ऑपरेशन पोलो से 1948 में हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बना दिया गया था ऑपरेशन पोलो डायरेक्ट क्वेश्चन हु फाउंडेड द सेवा समिति सेवा समिति किसने फाउंड की थी एट अलाहाबाद इन 1914 अलाबाद अलाहाबाद जहां से हमारी मिर्जापुर हमने किया था का नाम था जहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आई एस टी एटी टू डिग्री थर्टी मिनट ईस्ट पास होती है जिसका अब नाम हो गया है प्रयाग राज संगम तीनों रिवर्स का संगम 1914 में सौ चौदह जी के गोखले राम वाजपेयी डीपी सप्रू ठीक है सो द आंसर हियर इज ए हृदयनाथ कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भी मेंबर थे ओके okay, तो so इन्होंने फाउंड की थी सेवा समिति अगेन फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री से दोबारा से क्वेश्चन आ गया अठारह क्वेश्चन हुए अभी तक एक क्वेश्चन के अलावा सेंसस के अलावा आप देख रहे हैं 17 क्वेश्चन अभी तक आपके बिल्कुल डायरेक्ट फ्लो में सीधे सीधे क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशन के नाइनटीन वन द क्रिएशन ऑफ द फेडरल कोर्ट फेडरल कोर्ट लेटर ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया

कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक द मिड इन ट्राइलेटल नेवल एक्सरसाइज इनवॉलिंग इंडिया सिंगापुर एंड द थाईलैंड ठीक है यहां पर सिमटेक्स सिमटेक्स नेवल एक्सरसाइज कहां पर हुई थी पोर्ट ब्लेयर चेन्नई पांजी कोची पोर्ट ब्लेयर डायरेक्ट क्वेश्चन जो उस टाइम पर न्यूज में चल रहा था नेवल एक्सरसाइज करंट अफेयर्स के बीच में आ गई बीस क्वेश्चन हो गए उन्नीस एक

आर्म्ड लिख देते हैं आर्मी आप सिंगापुर इंडिया देखे खुश हो गए बट यहां पर चेंज कर दिया आर्मी तो एज आई सेड कि संडे संडे की शाम मंडे की सुबह तीन तरह के क्वेश्चन थे संडे बिल्कुल इजी इजी संडे की शाम जो थे बट इस गलती के कारण थोड़ा गलत हो गया शाम को पता लगा ओ करके मंडे की सुबह मेडिवल हिस्ट्री के एंशियन हिस्ट्री के क्वेश्चन जिनका सर पांव किसी को नहीं पता है वो मंडे की सुबह पता लगने वाले हैं सो ये संडे की शाम का क्वेश्चन ना बने तो प्लीज इस पूरी की पूरी लाइन को अच्छे तरीके से पढ़ना है नेवल और आर्म यहां पर कुछ ना कुछ ट्रिक ला सकती है यूपीएससी क्योंकि जब 18 19 क्वेश्चन हो गए हैं तो कॉन्फिडेंस हाइट पर होगा कि इतना इजी पेपर चल रहा है तो यहां पर सिंगापुर इंडिया थाईलैंड देखा आंसर क्लिक कर दिया बट यहां पर इस नेवल और आर्म्ड वर्ड को जरूर देखना है ऑब्जर्वेशन रोस्तम टू रस्तम टू क्रैश इन कर्नाटका रिसेंटली रिसेंटली क्रैश हुआ था ये 2020 के पेपर से पहले न्यूज में आ गया फाइटल एयरक्राफ्ट नॉट ऑल हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अनमैन्ड एरियल व्हीकल विदाउट पायलट सो इट इज अवी रुस्तम टू रुस्तम वन भी था रुस्तम टू डायरेक्ट क्वेश्चन क्वेश्चन हो गए इक्कीस बीस एक का रेशियो एक सेंस का क्वेश्चन खाली अभी तक द विजयनगर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ऑफ इंडियन एयर फोर्स अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन करंट अफेयर विच वॉज ओपन रिसेंटली अभी जो रिसेंटली री ओपन हुआ है विजयनगर का एयरफोर्स वो कहां पर हुआ है जम्मू कश्मीर अरुणाचल प्रदेश कर्नाटका हिमाचल प्रदेश आंसर इज द अरुणाचल प्रदेश करंट अफेयर का क्वेश्चन डायरेक्ट लो हैंगिंग फ्रूट डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर्स। 22 क्वेश्चन हो गए हैं। एक का रेशियो। हिल्सा नेशनल फिश ऑफ ये सभी को पता होगा बांग्लादेश बिकॉज वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में लड़ाई का एक कारण है हिल्सा। इन दोनों स्टेट्स के बीच में नहीं लोगों के बीच में हिल्सा और चावल के पीछे जान भी दी जा सकती है मेरे बहुत से कॉर्समेट्स हैं जो इसमें यहां पर हिल्सा और चावल के लिए आपस में लड़ने के लिए भी तैयार हो सकते हैं हिलसा फिश की इतनी वैल्यू है वहां लिव्स इन सी वाटर बट जो ये स्पॉन करती हैं, एग फॉर्मेशन वो यहां पर फ्रेश वाटर में होता है सी वाटर लिव्स एंड स्पॉन इन द फ्रेश वाटर सो द आंसर इज द बांग्लादेश वेस्ट बंगाल में भी बांग्लादेश में भी दोनों साइड पर हिलसा बहुत फेमस है हिल्सा फिश हिलसा प्लस चावल दोनों आपको हाथ से खाते हुए दिखेंगे ये हु the following द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द the newspaper. इकोनॉमिक एडवाइजर पूछा है डायरेक्ट बिल्कुल विवेक दोबराय रतन वाटल, आशिमा गोयल सजनॉय ठीक है नॉट एट ऑल विवेक देवराय डायरेक्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल डायरेक्ट जिसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी गई है चौबीस क्वेश्चन हो गए रेशियो बन रहा है हमारा तेईस एक सेंसर्स के अलावा दो क्वेश्चन और रह गए हैं पेपर में 20 परसेंट का कोटा लेने के लिए द पार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड इन द केस ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन टू और मोर स्टेट्स दो स्टेट्स के बीच में अगर लड़ाई हो जाती है तो वो कौन सी जूरिडिक्शन के अंदर फॉल करती है सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर से बिल्कुल पूछ लिया के। पहले तो मैं इस को कैसे आउट करता अगर मैं आपकी जगह बैठा होता इनहेरेंट से बाहर क्योंकि ये दोनों तो है ही नहीं जोर पार में ही नहीं है बच्ची ओरिजिनल एडवाइजरी एडवाइजरी में क्या करता है राष्ट्रपति एडवाइज लेता है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी तो दो स्टेट के बीच इज दिन मैटर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट फर्दर द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मे और मे नॉट टेंडर द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट बट इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू टेंडर इट्स एडवाइस फर्दर

एंड सबरीमाला वाला केस में आप एक आर्टिकल पढ़ रहे होंगे क्योंकि अभी नाइन जजेस का बेंच बैठा था 137 थर्टी सेवन आर्टिकल जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी खुद की जजमेंट को रिव्यू कर सकती है फॉर एग्जाम्पल अभी तक आपने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इज द लॉ ऑफ द लैंड हर जगह अप्लीकेबल होगी बट आर्टिकल वन थर्टी सेवन में यह भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी खुद की जजमेंट को रिव्यू कर सकती है इन द टू केसेस या तो पिछले कंडीशन में कोई एरर आ गया हो या कोई एक नया फैक्ट निकल कर आ गया हो तो इन दो केसेस में वो अपने आप को रिव्यू कर सकती है फ्रेश केस को एंटरटेन नहीं किया जाएगा बाय द आर्टिकल 137 रिव्यू पिटिशन रिव्यू पिटीशन अभी सबरीमाला वाले केस में है बिकॉज पारसीज का और मुस्लिम्स का दरगाह में जाने वाला जो केस है उसको सबरीमाला वाले के साथ जोड़ दिया गया है जो स्टार्ट तो पांच जज से हुआ था पांच से सात हुआ सात से नौ हो गया अब अब नाइन जजेस बेंच बैठी हुई है डन सो दिस इज ऑरिजिनल जुरिडिक्शन नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड स्टेटेड सॉरी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसकी फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी ये क्वेश्चन बहुत बार आता है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेट ऑन 26 जनवरी 1950 जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्शन में ले आए थे एडॉप्ट कब किया था 1949, 1950 में एक्शन में आ गया गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन स्टेट किसने कहा था बी आर अंबेडकर जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी एस पी मुखर्जी आंसर इज बी आर अंबेडकर बी आर अंबेडकर जी ने यहां पर स्टेटमेंट किया था कि डेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेट गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन डायरेक्ट फिक्स क्वेश्चन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट चैप्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी बाय द लक्ष्मीकांत क्वेश्चन अभी तक हो गए हैं ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी कोटा हो गया है पेपर आपका ट्वेंटी परसेंट की कट ऑफ क्लियर कर गया है अब इसके बाद क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको आराम से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है बिकॉज अदरवाइज ये ट्वेंटी फाइव का कोटा पीछे चलना स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन again कॉन्स्टिट्यूटेड इन अगेन द पॉलिटी डायरेक्ट लो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया इसका रीजन भी बता देता हूं क्योंकि कश्मीर में delimitation के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी जो कि अभी होने वाला है जब जम्मू कश्मीर की सीट्स 87 से बढ़कर 114 हो जाएंगी जिससे अभी तक जम्मू को कम सीट्स मिल रही थी अब जम्मू को भी सीट्स मिल जाएंगी सो देर मे बी अ चांस कि चीफ मिनिस्टर जम्मू की साइड से आ जाए So, पहला कब हुआ था हमारे पास 1952 में अभी तक चार डीलिमिटेशन कमीशन हो चुके हैं द लेटेस्ट वन इन द 2002 जब 86 अमेंडमेंट आया था उस सेम ईयर जब 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन the same year, दी थी द सेम ईयर 2002 थाउजेंड डीलिमिटेशन कमीशन क्या करता है कि यहां पर फॉर एग्जांपल यहां पर 10 लाख के लिए एक एमपी आ रहा है और यहां पर सपोज कर लो कि रैंडमली पंद्रह तो ये मेक श्योर sure करता है कि दोनों साइड पे पॉपुलेशन वाइज सेम एमपी सेम नंबर ऑफ एमपीस रिप्रेजेंट करें सो दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए एंड जो डीलिमिटेशन कमीशन की यहां पर डाटा आएगा जो भी इनकी वर्डिक्ट आएगी वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ और पार्लियामेंट में चैलेंज नहीं करी जा सकती मेक श्योर sure, ये प्री में क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के नेक्स्ट क्वेश्चन The Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises consists of direct question पूछा गया है The Department of Heavy Industry and the Department for the Promotion of Industry Trade Industry Trade का तो कोई मतलब ही नहीं है option खत्म Industry Trade खत्म मतलब ही नहीं है Department of Scientific and Industry Research and the Department of Heavy Industry कोई department ही नहीं है ठीक है सो द आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन ट्वेंटी एट रेशो चल रहा है ट्वेंटी सेवन वन सेंसर के अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर व्हाट इज द ग्राउंड ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज रिलीफ अंडर आर्टिकल थर्टी टू कौन सा ग्राउंड है जिसपे सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज रिलीफ अंडर आर्टिकल 32. टू आर्टिकल थर्टी क्या कहा था जिसको डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज जिसमें पांच तरह के रिट्स थी हमारे पास क्यूवेंटो सर्जरी प्रोहिबिशन डन हिबस कॉर्पस द एग्रीड पर्सन कैन गेट रिमेडी फ्रॉम द अनदर कोर्ट द डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड दैट नो फंडामेंटल राइट हैज बीन इनफ्रेंच्ड आंसर इज सी डायरेक्टली डील करता है विद द फंडामेंटल राइट्स दैट नो फंडामेंटल राइट हैज बीन इनफ्रेंच्ड आर्टिकल 12 से 35 तक ेंटल राइट इन दार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इफ यू फंडामेंटल राइट हैज बीन वायलेटेड यू कैन डायरेक्टली अप्रोच हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल टू टू सिक्स एंड सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल थर्टी टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन हो गए ट्वेंटी एट इज टू वन फॉलोइ आर्टिकल्स वर डिफेंडेड बाई डॉक्टर बी आर अंबेडकर ऑन द प्लीट इट वु यूज एजर ऑफ लास्ट रिजॉर्टर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ही यूज करा जाए इनमें से कौन से आर्टिकल को थ्री फिफ्टी टू नेशनल इमरजेंसी एमरजेंसीडेड है एमरजेंसी से स्टेट एमरजेंसी थ्री सिक्सटी एट पार्ट टू एमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन आंसर इज द लास्ट इज रिजॉर्ट इज थ्री फिफ्टी सिक्स प्रेसिडेंट रूलो लास्ट रिजॉर्ट ही रखा जाए यही नहीं कि रैंडमली इसके लिए बहुत सारे केसेस भी आए थे जब बिहार में लगातार आपने देखा ऑर्डिनेंस पास कर दिए गए थे ठीक है सो so, यहां पर आर्टिकल 356 फिफ्टी सिक्स की इट इज अ मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट प्रेसिडेंट को उसके बाद ही गवर्नर की रिपोर्ट पे या उसको खुद लगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यहां पर खराब हो गई है किसी स्टेट की तब यहां पर लाकर 356 का यूज कर स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल को लाया जा सकता है नेक्स्ट वन द मेजर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया का सेंट्रल एशिया इसके ऊपर वाला पार्ट डोमिनेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज फैमिलीज कौन सी इसे ये डोमिनेट कर रहा है इंडो यूरोपियन साइनो साइनोतिबन ऑस्ट्रिक ऑर्टिक द आंसर इज इंडो यूरोपियन जैसे हमने इंडिया में किए थे इंडो आर्यस यहां पर इंडो यूरोपियंस लीड्स

पक्का बनता था कि इसमें पूछ लिया कौन सी लैंग्वेज नहीं है उर्दू सबको पता है गुजरी सबको पता है बाखरवाल्स वहां पर होते हैं अब रह गया था ये ये दो ऑप्शंस रह गए थे सॉर्ट आउट करने के लिए अब इसमें कोई अगर करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर को कंटीन्यूअसली अगर पढ़ रहा होगा उस टाइम पर तो मोनपा जो है वो अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब का नाम है सो आंसर इज दैट डी1 उर्दू गुजरी कोशूर एंड इवन बिलटी ये सब वहां पर बोली जाती है सो आंसर इज दून पा एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए हमने किया था आर्टिकल थ्री थ्री एट ए नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स आर्टिकल थ्री थ्री एट बी फॉर द बैकवर्ड क्लासेस रिसेंटली एडेड आर्टिकल थ्री थ्री एट फॉर द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल एंड कल तो वन ट्वेंटी सेवन जो अमेंडमेंट है वो भी पास कर दिया गया है इन द लोकसभा पास हो गया है सो so दैट स्टेट्स को पार दे दी जाए टू मेक अ लिस्ट ऑफ ओबीसी अभी देखते हैं वो पूरा एक्ट कब बनता है, बट एक हाउस में वो पास हो गया तो क्लामेट is found in Central Spain. Central Spain में कौन सा मिलता है? टेम्परेट ग्रासलैंड कॉन्टिनेंटल वार्म समर्स तो हो ही नहीं सकता मेडिटेरियन ड्राई हॉट समर मेडिटेरियन एक लौता क्लाइमेट है जहां पर हॉट समर्स प्लस रेनी विंटर्स विंटर्स में रेन होगी जो मेडिटेरियन सी से क्लाइमेट जो यहां पर मॉइस्चर को सोर्स का उठा के लेके आएगी प्लस इवन ये आपको पता हो इंडिया में भी ये मेडिटेरियन सी से एक पिंडी में बता देता हूं सॉरी मेडिटेरियन सी से यहां से जो बारिश आती है उसको इंडिया में लोकल रेनफॉल को कहते हैं महावत रेनफॉल मेडिटेरियन सी से जो विंटर्स में बारिश होती है एंड इट इज बेस्ट फॉर द राबी क्रॉप सो सेंट्रल स्पेन में हमारे पास मेडिटेरियन हॉट क्लाइमेट मेडिटेरियन इज द ओनली क्लाइमेट जिसमें विंटर्स में बारिश दिखेगी आपको क्लियर नेक्स्ट विच इज द फॉलोइंग रिगार्डिंग विद कोल इंडिया लिमिटेड इज ट्रू कोल इंडिया लिमिटेड इज एग्जाम्पल ऑफ महारत्ना कंपनी महारत्ना पहले मैंने आपको पिछले पेपर में क्वेश्चन आया था बीई एल का इस बार पूछ लिया है से। है, जो हजार से पांच हजार करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकती हैं फर्स्ट इज दोटल नंबर ऑफ महारत्नाट ओके जिसमें गेल सेल ये सब कुछ है सीएल हेडक्वार्टर एट द कोल का था आपसे लुटली राइट सीएल ऑपरेट थ्रू एटी टू माइनिंग एरिया ट्वेंटी प्रोविशनल स्टेट ऑफ इंडिया ट्वेंटी में नहीं है इट इज इन दोवेशनल स्टेट सी एल इज दिंगल लार्जेस्ट कॉल प्रोड्यूसिंग इन दर्ल्डली राइट वन और थ्री हमारे पास सही है, one or three कहां पर कर रहा है? अगर मैं इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करता तो टू हमारे पास गलत था तो टू यहां पर मैं इसको हटाता इसको हटाता ऑप्शन बच जाता ये और ये थर्ड ऑप्शन आपको वैसे भी पता है कि सही है तो आंसर विल बी बी वन एंड थ्री दिस इज यू हाउ टू डिस्कस और हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हाउ टू डील दिस क्वेश्चन ये है ट्रिका आपको आपको एक चीज पता है तो दूसरी चीज आप एलिमिनेट आराम से कर सकते हैं एलिमिनेशन इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द यूपीएससी क्वेश्चन बेस्ट वे नेक्स्ट इज द कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग एफिलेटेड टू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड एट मिलिट्री इंजीनियरिंग ठीक है आंसर पुणे पुणे जहां पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है कोर ऑफ इंजीनियर्स का ठीक है पुणे सेम प्लेस जहां पर खड़क वासला एनडीए भी है नेशनल डिफेंस एकेडमी नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका बिल्कुल ये क्वेश्चन अगर आप कहो कि सर ये क्वेश्चन कहां से पढ़ता मैं तो मैंने आपको कहा था कि सब कुछ जब आपका हो जाए तो अरिहंत या

अफ्रीका सबसे पहले कौन आया था फॉर एग्जाम्पल 1498 में सबसे पहले इंडिया में पुर्तगीज आए थे एंड खाली एक स्पाइसेस जो थे मसाले मसाले हमारे देश को ले डूबे मसालों से हमारा पूरे का पूरा देश धीरे धीरे पुर्तुग के हाथ में आया डच के हाथ में आया फ्रेंच के हाथ में आया ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी आई वहां पर ठीक है तो सेम ये पूछा गया कि अफ्रीका में सबसे पहले काम कौन है ठीक है तो आंसर फ्रेंच स्पेनिश डच आंसर इज पुर्तगीज वन पुर्तगीज 1471 में सबसे पहले आए थे एंड वो भी कहां पर अगर मैं आपको पूछू तो वो बताऊं तो घाना जो कि गोल्ड माइंस जिसके आसपास थी उसके लिए फेमस थी तो इनका जो रीजन बना वो बन गया गोल्ड माइंस घाना इज फेमस फॉर गोल्ड अराउंड द एरिया ऑफ घाना इज फेमस फॉर द गोल्ड माइंड ऑल्सो प्लस कोकोआ चॉकलेट्स कॉफी के लिए बहुत फेमस है घाना तो so, 1498 में इंडिया में आते हैं ये सबसे पहले कैलिकट में जहां पर इनकी सबसे पहले कंपनी भी बनती है पुर्तगाली की ठीक है एंड 1471 में ये घाना में अफ्रीका में आते हैं सो द आंसर इज पुर्तगास इस क्वेश्चन को आप अगर छोड़ना चाहते थे तो आराम से ये लीव हो सकता था क्योंकि ये क्वेश्चन उसी को पता होगा जिसने जब पुर्तगाली के बारे में अगर ढंग से पढ़ा होगा इंडिया के टाइम पर 1498 तो वहां पर ये स्टेटमेंट बीच में थी कि पुर्तगीज ने कहां कहां पर रूल करा था ये कहां कहां पर गए थे तो वहां पर 1471 में आपको पता लग जाएगा कि ये गाना में थे इंडिया में वास्को डेगामा 1498 गांधी सोलर पार्क जिसके कारण महत्व यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को स्वच्छ भारत अभियान का इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला गांधी सोलर पार्क इज लोकेटेड एट न्यूयॉर्क डायरेक्ट क्वेश्चन था ये डायरेक्ट क्वेश्चन न्यूयॉर्क विच फॉल्स ऑन द हडसन रिवर वॉशिंगटन डीसी लाइज ऑन पोटोमैक रिवर ये क्वेश्चन भी कई बार आए हैं पेपर में एफकैट में तो बिल्कुल डायरेक्ट ही पूछते हैं कई बार यूपीएससी में भी रिवर बेस क्वेश्चन आते हैं कि फेमस जगह कौन सी रिवर पर फॉल कर रही हैं आंसर इज हटसन आंसर इज पोटोमैक वॉशिंगटन डीसी मैं साथ साथ आपको थोड़ा वैल्यू एडिशन कर रहा हूं सो so डेट आपका दिमाग उस तरीके से घूमे कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट द ग्लोबल गोलकीपर अवॉर्ड इज गिवन बाय डायरेक्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बिल गेट्स फाउंडेशन जो है डायरेक्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था अगर आप लास्ट ये पेपर हुआ है फेब में में 2020 ये न्यूज है अक्टूबर की अगर आप करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से रिलीजियसली फॉलो कर रहे थे तो ये बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट डायरेक्ट क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का नेक्स्ट विच इज द फॉलोइंग इज द इंडियाज ऑफिशियल एंट्री दरल फीचर फिल्म कैटेगरी इन नाइनटी सेकेंड अकेडमिक अकेडमी अवॉर्ड बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन टीवी भी देख रहा था यह नॉर्मल हिंदी का न्यूज पेपर भी पड़ रहा था डायरेक्ट आंसर दे सकता था बुलबुल कैन सिंह सुपर डिलेक्स गली बॉय दर गोजू द आंसर इज गली बॉय गली बॉय इज द डायरेक्ट आंसर बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था नेक्स्ट नरोपा An क्यों आ गया नरोपा सेम, मैंने बताया, कश्मीर बिल के बाद नेशनल जो जो तो पार्क के बन सकते थे या कहा पर बाउंड्री टच कर रही है वो बन बन सकते थे या लैंग्वेज के बन सकते थे उन्होंने पूछ लिया सेकंड क्वेश्चन ये पूछ लिया उन्होंने इट इज अ फेस्टिवल ऑफ लद्दाख ऑल्सो नोन एज कुंभ ऑफ लद्दाख कुंभ भी कहते हैं इसे कुंभ ऑफ लद्दाख इज नरोपा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज़ द कोड नेम गिवन टू द फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए एक मालाबार एक्सरसाइज होती है इंडिया और यूएसए की जो आफ्टर द क्वाड बनी थी ठीक है पर क्वेश्चन पूछा गया है ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज ट्राई सर्विस तीनों सर्विसेस टाइगर टाइगर द द आंसर इज़ वन ओके एंड टाइगर पे हमने कल पढ़ा भी था लेटेस्ट इज द फिफ्टी सेकेंड वन जो कहां पे हुआ है राजस्थान में बूंदी डिस्ट्रिक्ट में फिफ्टी सेकेंड वन टाइगर रिजर्व नेक्स्ट द तत्व बोधनी सभा त्वबोधनी सभा मॉडर्न हिस्ट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन समाज से टैगोर से जब दूर होकर बनाई गई थी उसी का एक पार्ट था ये बाय टैगोर इन 1839 जब ब्रह्मो समाज और आर्य समाज आप पढ़ेंगे तो ब्रह्मो समाज का ये डायरेक्ट क्वेश्चन था उसका ही एक फिगर उसमें से एक ये पार्ट था जो निकलकर दूर हुआ जिसका नाम डल दिया गया तत्व बोधनी सभा फाउंडेड बाय देवनाथ टैगोर इन एटीन डायरेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन क्वेश्चन हो गए फोर्टी टू अराउंड दो क्वेश्चन के अलावा अभी तक आप देख रहे होंगे पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री करंट अफेयर रूल कर रहा है बयालीस क्वेश्चन हो गए हैं अभी तक ठीक है सो अगेन एंड अगेन अपॉन माई एक्सपीरियंस पॉलिटी जोग्राफी मॉडर्न हिस्ट्री करंट गेम चेंज कर देंगे टोटली नेक्स्ट हु बिलीव डैट द रशियन डिजाइन किसने ये कहा था या सोचता था कि रशियन डिजाइन पैरल टू तो द सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंट ऑफ द शांति ऑफ द इंडियन एम्पायर इन 1836 किसको ये लगता था ये लगता था ब्रिटेन के एक प्राइम मिनिस्टर को जिसका नाम था लॉर्ड पेलमिस्टन अब ये क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं था इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते थे इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते थे क्योंकि यह क्वेश्चन बिल्कुल ही हार्डकोर क्वेश्चन हो गया मॉडर्न हिस्ट्री का अंदर का यह क्वेश्चन को आप इजीली छोड़ सकते थे अगर आपको नहीं पता है तो हाँ अगर आपने लाइन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हुए पढ़ी है कहीं देन यू कैन गो विद दिस क्वेश्चन अदरवाइज यू कैन लीव दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन द दर्क सीआर डिस्क्राइब द बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ प्लासी नवाब ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी 1757 में 1764 बैटल ऑफ बक्सर वाज रिटन बाय ये डायरेक्ट क्वेश्चन था गुलाम हुसैन बैटल ऑफ प्लासी जब आप पढ़ेंगे अपने उसमें हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री में प्री मॉडर्न हिस्ट्री में तब आपको ये डायरेक्ट दिखेगा गुलाम हुसैन जी का नाम सो वाज फोर्ट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल बंगाल के नवाब के बीच में तो डायरेक्ट क्वेश्चन गुलाम हुसैन नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री साइट वर लाइम स्टोन एंड चर्ड ब्लेड्स मास प्रोड्यूस एंड सेंड टू वेरियस हड़प्पन सिविलाइजेशन इन द सिंध सिंध में कहां पर भेजी गई थी ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है सुकूर एंड रोहरी हिल्स कोटडा भी था जगह ठीक है ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था बिल्कुल एज इट इज एंशियंट हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे इनको आप हिल्स को पढ़ेंगे सुकूर एंड रोहरी हिल्स ये पहला क्वेश्चन आया एंशियंट का एंड डैट टू सिंपलेस्ट क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री में मैंने बताया भी था हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइड्स वेदिक पीरियड बुद्धिज्म और जैनिज्म ये चार टॉपिक कर लिए आपका पेपर क्लियर है हिस्ट्री क्योंकि इस चारों के अलावा जो क्वेश्चन आएंगे उसका सर और पांव आपको नहीं पता होगा वो क्वेश्चन आएंगे आपको करने के लिए। age, जैसे मैंने बताया था बड़ी स्टेटमेंट देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है जितनी बड़ी स्टेटमेंट उतना आसान क्वेश्चन होगा अब इस क्वेश्चन को बता, देखना कैसे ट्रिक सेल्कोलिथिक ये सब आए थे प्राइमरी पहले उनको कुछ भी नहीं पता था हथियार यूज करते थे वो ठीक है हंटिंग करनी स्टार्ट करी सेकंड आया एक क्लाइमेट का आया चेंज होने लगा एग्रीकल्चर आया उनको कुछ दिमाग में आया कि यस कुछ फ्रूट्स कुछ प्लांट्स लगाए जा सकते हैं धीरे धीरे न्यूलिथिक आते, आते आते वो फूड गैदरर्स बन गए पहले उन्हीं हथियारों को हंटिंग के लिए यूज कर रहे थे फिर फूड गैदरर्स बन गए तो तीनों स्टेज में आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट स्टोन के जो वो है वेपन है वो यूज करे गए हैं

फिर धीरे धीरे उनको पता लगा कि भाई क्लाइमेट का भी कुछ है, कुछ पोर्शन है एग्रीकल्चर नाम की चीज है तो धीरे धीरे वो क्या करने लगे रेनफॉल का आ गया था तक उनको समझ में आने लग गया एंड लेटर ऑन वो फूड बन गए तो तो वेरिएशन सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर अब सेकंड स्टेटमेंट कहां कहां पर है दिस वन एंड दिस वन सेकेंड स्टेटमेंट हमने काट दी आंसर बचा क्या वन वन इज द राइट आंसर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है अगर किसी ने पेलियोलेक्ट से पहले मिजोलिथिक मिडिल ट्रांजिशन फेज जब कुछ कुछ समझ में आने लगा कि नहीं भाई हंटिंग के अलावा भी कुछ चीजें हैं इस दुनिया में ठीक है पहले तो वो पत्थर रगड़ रहे थे आग लगा रहे हैं बिल्कुल एज इट इज नोमैड की तरह जिंदगी जी रहे थे ठीक है तो पहले वो फूड हंट कर रहे थे हंटिंग के लिए वेपन्स का यूज कर रहे थे धीरे 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 उनका ट्रांजिशन फेज स्टार्ट हुआ जैसे एप से धीरे धीरे हमारे पास ह्यूमन ब्रेन आ गया सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट अगर किसी को यह पता है एलिमिनेट करा हमने एंड उसके बाद आंसर ला दिया नेक्स्ट ये आपने बहुत मूवीज में भी देखा होगा एंड बहुत सुना भी होगा कि एक पनिश उसके लिए आपके कोई भी आप क्राइम कर रहे हैं डबल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अ पर्सन अगेंस्ट डबल जो पार्टी एक ही दो बार आपको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है आर्टिकल ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री आंसर इज ट्वेंटी ट्वेंटी स्वामी केस ट्वेंटी टू प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस आ जाता है सो आंसर इज आर्टिकल ट्वेंटी डायरेक्ट क्वेश्चन फोर्टी सेवन हो गए तीन क्वेश्चनों के अलावा अभी तक सब लो हैंगिंग फ्रूट्स, विच of द फॉलोइंग added as a fundamental duty 86th Amendment, 2002 2002 से अभी हमने एक चीज करके हैं Commission. मैंने आपको बताया अभी 2002 right right जिसमें 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन दी जाएगी टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी एप्सोलटली रॉन्ग टू प्रोवाइड एन ऑपरचुनिटी फॉर एजुकेशन टू वन चाइल प्रोटेक्ट पीस एंड हारमनीटल ड्यूटी के अंतर आती है आंसर इज दिस हमने यह भी किया था कि जीरो से छ साल के बच्चों के लिए क्या प्रोविजन है डीपीएसपी के अंदर सो so ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपसे बिल्कुल नेक्स्ट फॉलोइर पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी की एनसीआर ट्वेल्थ क्लास की ह्यूमन जोग्राफी की जो है आपके पास उसका सेकेंड या थर्ड चैप्टर डायरेक्ट दे रखा है कि यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कौन से चार पिलर है ह्यूमन डेवलपमेंट से एक चीज और बता देता हूं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी आ जाता है कई बार की इसमें रैंकिंग क्या चल रही है एंड कौन से तीन फैक्टर्स के बेस पे एच आता है वो भी क्वेश्चन आता है पेपर में इक्विटी इंक्लूजन प्रोडक्टिविटी इंपावरमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग इक्विटी प्रोडक्टिविटी इंपावरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी इज द ओनली वर्ड जो आपको यहां पर कैच करना था ठीक है तो सस्टेनेबिलिटी एंपावरमेंट प्रोडक्टिविटी इक्विटी दीज आर द वर्ड्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ह्यूमन ज्योग्राफी सेकेंड चैप्टर ऑफ ट्वेल्थ क्लास क्वेश्चन हो गए फोर्टी नाइन तीन क्वेश्चन को दूर कर दिया जाए क्वेश्चन अभी तक डायरेक्ट इज तो फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत आना था कोविड के बाद क्योंकि ये स्कीम लाई गई थी मैंने इस बार के लिए भी आपको बता रहा हूं जो फोर्टीन नवंबर को पेपर है आयुष्मान भारत पढ़ के जाना है बिकॉज जर्नलिस्ट के लिए स्पेशल प्रोविजन एड करे गए हैं बाद में पोस्ट दिस अप्रैल एंड मई पीरियड जब बहुत सारी डेथ्स हुई उसके बाद कुछ ऐड करा गया है फर्स्ट देर इज नो कैप ऑनिली साइज एंड से लुटली राइट यहां पर क्वेश्चन राइट अडिफाइंड ट्रांसपोर्ट अलाउंट पर हॉस्पिटलाइजेशन विल ऑल्सो बी पेड टू दी एप से लुटली राइट द स्कीम प्रोवाइडिट ऑफ टेन लैक पर फैमिली एप से लुटली रॉन्ग पांच लाख अब ये स्कीम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे अगर अब मैं ये तीनों ऑप्शन तो मुझे चलो अभी डिस्कस कर रहा हूं इसलिए आपको बता रहा हूं बट अगर इसको मैं मैं पेपर में सॉर्ट आउट कर रहा होता तो करके मैं देखता सीधा दस लाख क्वेश्चन इन तीनों को पढ़ने की जरूरत नहीं थी आंसर इज द डी वन नेक्स्ट ओवरसीज इंडियंस ठीक है ओसीआई आपने पढ़ा भी होगा ओवरसीज इंडियंस एक्सरसाइज मस्ट बी प्रेजेंट इन द इंडिया टू वोट इंडिया में होने चाहिए बट हो, right. जो ओवरसीज इंडियंस हैं उनके लिए प्रॉपर्टी के लिए कुछ लिमिटेशन लगी हुई है वो किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट जो है प्रेजिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इन सबके लिए खड़े नहीं हो सकते हैं ये अलग से एक चैप्टर है इवन ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूं कि पॉलिटी का सेकेंड या थर्ड चैप्टर जो है वहां से पूछा गया फ्रॉम द लक्ष्मीकांत सिटीजन ठीक है सो आंसर हेयर इज द वन टू एंड थ्री डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी फिफ्टी वन थ्री इज टू फोर्टी एट का रेशियो चल रहा है अभी तक ये क्वेश्चन आया थोड़ा सा ट्रिकी बिकॉज ये जोग्रफी का है क्वेश्चन आपका एनसीआरटी से ही है क्योंकि एनसीआरटी में सॉइल की अलग अलग क्लासिफिकेशन दे रखी है एक जगह पे दे रखी है रेड ब्लैक स्वायल, ठीक है इस तरीके से येलो सॉइल अब यहां पर यह क्वेश्चन दूसरे तरीके से ऑर्गेनिक मैटर पे पूछा हुआ है कि कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के हिसाब से यहां पर कौन सी सॉइल है आंसर इज हिस्टोसोल जो वर्टी होती है वो क्लेड थोड़ी क्ले होती है जो होती है ये आपको ठंडे इलाके में मिलेगी कोल्ड क्लाइमेट में मिलेगी कोल्ड क्लाइमेट तो क्वाइट ऑबियस है ऑर्गेनिक मैटर नहीं हो सकता है ठीक है तो आंसर इज हिस्टोरसोल इस क्वेश्चन को भी मैं आपको बता देता हूं सोर्स आपका एनसीआर ही है डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीआरटी नेक्स्ट इन द हेडले सेल थर्मल सर्कुलेशन एयर राइजेस अप एंड फाइनली डिसेंट्स एट डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ज्योग्राफी 53 क्वेश्चन हो गए हैं चार क्वेश्चन के अलावा सब अब आपने बेल्ट पढ़ी होंगी ठीक है जॉग्रफी में फर्स्ट इज इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हवा ऊपर उठी ऊपर कब तक उठेगी लेयर्स पढ़ी थी हमने Troposphere, Troposphere में एयर उठेगीचर कम होता है विद द हाइट बट अब जब एक स्टेज ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी जब ठंडी होगी तो अंदर जो इसमें ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हुए हैं रेन की फॉर्म में नीचे आएंगे ठीक है डेट फॉर्म्स सबसाइड करेगी हवा जहां पर भी सब सबसाइड करती है जोग्राफी में कॉन्सेप्ट याद रखना वी हैव हाई प्रेशर। जब भी एयर राइज करेगी वर्टिकल वी अ लो प्रेशर वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड कन्वेक्शन कन्वेक्शनल रेनफॉल तीन तरह के रेनफॉल होते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल साइक्लॉनिक रेनफॉल रिलीफ रेनफॉल रिलीफ मतलब फॉर एग्जाम्पल खांसी हिल्स यहां पर कैसे हो रही है रिलीफ रेनफॉल के कारण हो रही है ठीक है रिलीफ ऐसे बनी है लीवर साइड आपकी हो गई एंड वन इज द माउंटेन साइड सो ये इक्विटोरियल लो प्रेशर एरिया एयर सबसाइड कहां कर रही है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया फॉर एग्जाम्पल सबसे ऊपर ही ऑन द सेम लाइन हमारे पास पोलर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है सॉरी पोलर हाई प्रेशर एरिया बना हुआ है बिकॉज सबसे ठंडा इलाका है सनरेज नहीं रीच आउट कर पा रही है वहां पे, यहां पर लो प्रेशर क्यों बना है क्योंकि लगातार सनरेज पड़ रही है तो ये हाई प्रेशर जो है कहीं सबसाइड भी करेगा ये हाई प्रेशर डाइवर्ज कर रही है तो ये बीच में बना रहा है सब पोलर लो प्रेशर एरिया सेम लाइन द नॉर्द हवा हाई से लो की तरफ जाती है ठीक है तो ये, ये जो सेल बन गया दैट कॉल द हेडले सेल ये सेल बन गया फेरल सेल ये सबसे ऊपर सेल बन गया पोलर सेल ये पूछ रहा है हेडले सेल में एयर राइज़ करती है और डिसेंट कहां करती है मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन आंसर इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ये प्रेशर बेल्ट का क्वेश्चन था डायरेक्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स और द यूटीज स्टेट्स हमारे पास हैं आठ ट्वेंटी एट यूटीज हमारे पास आठ हैव मोर देन टू इंटरनेशनल बाउंड्रीज दो से ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्रीज लगती हैं वो अब इंडिया में कहाँ कहाँ पर लगती हैं वेस्ट बंगाल में लगती हैं हमारे आसाम में लगती हैं सॉरी सिक, सिक्किम में लगती है

पाकिस्तान नेपाल क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर वॉर्म ऑशियन करंट कल का पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था 2021 का पेपर का वो क्वेश्चन भी कोल्ड करंट पे था उसमें आपने देखा होगा एक ऑप्शन था कैलिफोर्निया करंट द एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड करंट यहां पर वो आया है ठीक है एंड कंफ्यूज कैसे किया बताता हूं क्रोशियो इज अ वार्म करंट ठीक है कैलिफोर्निया इज द कोल्ड करंट मैंने बताया था वार्म और कोल्ड जहां पर मिलेंगी फॉग लाइक मिलेंगीचुएशन फिशिंग बनेंगे ये क्वेश्चन पूछ रहे बेंगल करंट है तो नॉर्थ वेस्ट ड्रिफ्ट ठंडे करंट है आंसर इज नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट एंड द ब्राजील करंट मैंने आपको कल भी ये पहले ही क्वेश्चन में कहा था कि करंट का क्वेश्चन एक जरूर आएगा और वो भी बिल्कुल सीधा आएगा कोई नहीं घुमाएंगे कुछ भी नहीं घुमाएंगे आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि क्वेश्चन हार्ड है डायरेक्ट पूछा जाएगा वेदर और डायरेक्ट क्वेश्चन में ट्वेंटी ट्वेंटी में भी पेपर आया सेम क्वेश्चन विच द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सिटीज डज नॉट है एज इट्स नेचुरल वेजिटेशन कवर ठीक है अब स्किलरोफिल वेजिटेशन जो जीरोफाइटिक स्किलरोफिल ये कहां पढ़ेंगे आप जब आप मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ रहे होंगे लीव्स ने एक प्लांट्स ने ट्रीज ने एक इंसुलेशन बना लिया होता है फॉर एग्जाम्पल द हार्ड लीव्स जिसे कहते हैं हम हार्ड लीव्स बना लेते हैं सो so डैट ये जो गर्म हवा चल रही है हॉट समर इसको ये इंसुलेट कर सके इसका बेस्ट एग्जांपल वाइन में बताता हूं आपको इंडियन वाइन और फॉरेन वाइन में डिफरेंस क्या हो रहा है अब यहां पर जो ट्री बनता है स्किलोफिल्ड वेजिटेशन में जो ट्रीज हैं बाहर एक स्केलिंग कर लेती है अपने वो स्केलिंग जब यहां से गर्म हवा आती है वो इसको अंदर नहीं जाने देती

जो से बचा के रखेगा उसका टेस्ट बचा के रखेगा इस दैट इज द साइन ऑफ स्किल्ड्रोफिल वेजिटेशन स्किल्ड्रोफिल वेजिटेशन में ट्रीज अपने बाहर स्केलिंग कर लेते हैं स्केलिंग क्यों करते हैं टू इंसुलेट द हॉट वेव्स हॉट वेव से बच सके मेडिटेरियन क्लाइमेट इज द ओनली क्लाइमेट विद द हॉट समर्स एंड विंटर्स में बारिश होगी ओके okay? इसका और एग्जांपल जैसे नींबू नींबू आपने देखा होगा बाहर से मोटा होता है ठीक है बाहर से थिक होगा क्यों होगा अंदर से जूसी सो so डेट वो मॉइस्चर को बचा के रख सके क्योंकि लंबा सीजन होता है यहां पर समर्स का एंड विंटर्स का बारिश का बिल्कुल थोड़ा सा समर होता 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 है 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 मौसम इसलिए इन इन बिटवीन जो होता है, जब दोनों मिलते हैं वो इनका स्वैप नहीं इनका जो मिलाप है वो नहीं हो पाता स्प्रिंग सीजन इसलिए इनको सीजन मिलता है बहुत ही छोटा सा ग्रोइंग सीजन बहुत छोटा होता है इसलिए नींबू एलोवेरा आपने देखा होगा अंदर से जूसी होंगे ग्रेप्स ये मॉइस्चर कंटेंट को बचा के रखेंगे अपने अंदर ठीक है so ये क्लाइमेट को डील कर सके इसलिए जो वाइन्स है मैक्सिमम फ्रांस की वाइन्स होगी स्पेन की वाइन्स होगी ऑस्ट्रेलिया का कुछ पार्ट है वहां की वाइन्स होगी वो महंगी वाइन्स होंगी मेडिटेन टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑलवेज फेवर दल्चर सो एयर एग्जाम्पल द आंसर इज लॉस वेग एंड द क्वींसलैंड यहां पर स्किलोफिल वेजिटेशन नहीं होगी बाकी हर जगह पे टाउन, लिस्बन, पर्थ, यहां पर, देखेगा। जहां पर वेजिटेशन ही अब आप सर कैसे होता तो जब हम मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट करेंगे वहां से सॉर्ट आउट होगा आपका क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन जियोमोफिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्लांट एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशंस कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिससे आपको लगता है कि भाई वहां पर एनिमल्स और प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्लोप एंगल एंड द रिलीफ ओनली ये वर्ड अब ओनली पे गेम खेल रहे हैं जैसे मैंने कहा था फंडामेंटल राइट विल ऑलवेज प्रीसीड वहां पर स्लोप एस्पेक्ट एंड द रिलेटिव रिलीफ स्लोप एंगल स्लोप एस्पेक्ट एंड द रिलीफ स्लोप एंगल ओके स्लोप एस्पेक्ट एंड रिलेटिव लीव ऑल द थ्री वंस एंगल स्पेक्ट रिलीफ ये तीनों की तीनों चीज हमें चाहिए होगी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जोग्राफी में जोफोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि स्लोप एंगल एंगल कितने से आ रहा है स्लोप का ठीक है रिलेटिव रिलीफ रिलीफ किसी एक चीज का स्ट्रक्चर ठीक है ये सब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट था फ्रॉम द एनसीआर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेमस टेक्स्ट ऑफ पंचतंत्र इज करेक्ट

तो करफिडेंस कि कि बढ़ा दिया है अब हम पीछे लाने के लिए अब कुछ कुछ क्वेश्चन आपके सामने इस तरह के भी लाएंगे जहां पर आप गलती करेंगे और अपने आप को पीछे पॉइंट टू सेवन पर लेकर आएंगे सो ये लीव दिस क्वेश्चन इफ यू डों नेक्स्ट फॉलोइ रूलर वर आइडेंटीफाई थ्रू मेट्रॉनिक्स फ्रॉम डेट ऑफ मदर एंशियंट हिस्ट्री का बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन में और में रूल करते थे, जो अपने मदर के नाम को यूज करते थे अपने नाम के बीच में स्टार्टिंग में तो वो थे सतवाहंस जो डेकन में और सेंट्रल इंडिया में रूल कर रहे थे तो एंशियंट हिस्ट्री में जब आप विजयनगर किंगडम सतवाहं सब पढ़ेंगे सतवाहंस की पहली लाइन ही यही है मदर्स वैली डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक कह लो कि फिट हो गया कि एंशियंट हिस्ट्री से बिल्कुल सिंपलेट क्वेश्चन है, है? जोग्राफी की ट्वेल्थ क्लास की एग्रीकल्चर वाली बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन फर्स्ट कुडा पहा कर रोकी वेस्टलैंड नचाई वेस्ट, वेस्ट फील्ड टंकाई ड्राई फील्ड टोटाकल गार्डन लैंड जो फ्रूट्स हॉर्टिकल्चर के लिए यूज होते हैं ये तीनों ऑप्शन राइट हैं ये जो है कुडापा कर कुड़ापा कर एक राइस कल्टीवेशन के लिए सीजनल चीज होती है सीजन वाइज आती है सो इज़ नॉट अ वेस्टलैंड इट इज यूज फॉर द राइस कल्टीवेशन ठीक है एंड राइस कल्टीवेशन से एक चीज आपको यहां बता जाता हूं मैं साथ साथ जो केरला में एक जगह है कुटू सेकंड लोएस्ट प्लेस वे द राइस कल्टीवेशन टेक्स प्लेस कुटूनाथ इन द केला डिस्ट्रिक्ट हो सीजन विद राइस एग्रीकल्चर के एनसीआरटी पढ़ेंगे एनसीआरटी पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास की आपको यह सारे सारे कोडवर्ड्स डायरेक्ट मिलेंगे जैसे लास्ट टाइम ऑर्स वो हमने पढ़ा था ऑफ द राइस डायरेक्ट था सेम यूज आपको यह डायरेक्ट मिलेगा एनसीआरटी में आधा पेपर सॉल्व हो गया साठ क्वेश्चन मैक्सिमम पांच क्वेश्चन ऐसे आए थे जो थोड़े से तेड़े थे इधर उधर के थे अदरवाइज क्वेश्चन अभी तक वो आए हैं जो डायरेक्ट एन से हैं प्लस पॉलिटी ज्योग्राफी मॉडर्न हिस्ट्री करंट अफेयर्स को डील कर रहे हैं सो देख लो आप अभी तक एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि वो चार टॉपिक से पेपर खत्म है बिल्कुल नेक्स्ट Which of the following statement regarding the Mughal मनसफदार system is correct? मैंने आपको में कहा था कि मुगल से क्वेश्चन आता है जब भी मैक्सिम जब आपको दिखेगा राइट सवर रैंक इंडिकेटेड नंबर ऑफ हॉर्समैन वॉज रिक्वायर टू एब्सोल्यूटली राइट इन देंचुरी मनसबदार हजा होल्ड थाउजेंड और सर्वर्स रैंक उससे ज्यादा एज अ नोबल्स उमार एब्सोल्युटली राइट आंसर क्वेश्चन फ्रॉम द मुगल्स मुगल मनसबदारी सिस्टम जब आप मुगल्स को पढ़ेंगे मिडेबल हिस्ट्री में आपको डायरेक्ट देखेगा ये क्वेश्चन तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है द फेमस मुगल पेंटिंग अगेन फ्रॉम द मुगल्स क्वेश्चन डिपिक्टेड क्योंकि मुगल्स में से क्वेश्चन या तो ये आएगा कि कौन सा उनके टाइम पे पेंटर आया था किसने इस चीज को कन्वर्ट करा बुक को कन्वर्ट करा बुक कौन सी लैंग्वेज में छापी अलबरूनी लास्ट टाइम जैसे आ रही थी किताबें हिंद अरेबिक में तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे जहांगीर EMBRACING THE SAFAVID KING SHAH ABBAS WAS PAINTED BY WHICH OF THE FOLLOWING MUGHAL PAINTER मुगल पेंटर पे क्वेश्चन आ गया ठीक है अब सम अबुल हसन दसावंत मिशन दास आंसर इज अबुल हसन हसन प्लेस हमने करीबी थी फेमस फॉर कॉफी ऑल्सो प्लस चेक मंगलूर के साथ प्लस हसन से इसरो सारी अपने सैटेलाइट्स को वॉच करती है डन मास्टर कंट्रोल सेंटर इंडिया का हसन में है कर्नाटका में है ठीक है हसन हमने तब भी किया था जैन उल अबीदीन हसन वन हु क्वाइन द टर्म जय हिंद हसन एक गोली से दो शिकार हसन याद रखना है मास्टर कंट्रोल सेंटर ऑफ द इसरो पेंटर फोर्थ फॉर द जय हिंद अबुल हसन क्लियर नेक्स्ट अमिताभ बच्चन वो रिसेंटली कन्फर्म द प्राइज दादा साहेब फाल्के अवार्ड द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहेब फाल्के अवार्ड इनकी भी हुई थी, तब गया। प्लस अगर आप क्वेश्चन तो कुछ भी आ जाएगा तो एज आपका स्लिवर्स हो जाएगा, तो अरिहंत को एक बार रिवाइज करना है अरिहंत में क्वेश्चन दे रखे हैं फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट वाले सो तो यह क्वेश्चन वहां से हो गया डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज देविका रानी जी की डेथ हुई थी तो फेमस पर्सनैलिटी की तो उसको को वो करेंगे। Next, जी इस बार डेथ हुई है रिलेट कुछ करके बता दें वो क्वेश्चन को मेबी रिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंपोर्ज लिमिटेशन इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ सिक्स मंथ छ मंथ के लिए लगाई थी ऑन द विड्रॉल ऑफ अमाउंट बाई अकाउंट होल्डर बाई विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक किसके लिए यहां पर लगाई थी इंडस इंड बैंक धनलक्ष्मी बैंक पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक साउथ इंडियन बैंक आंसर इज पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक क्वेश्चन कहां से आया है सर पूछोगे तो सर करंट अफेयर से आया है न्यूज पेपर से आया है डायरेक्टली नो स्टैटिक वन डायरेक्टली विद विद्यूज पेपर नेक्स्ट ग्रेटर थुनबर्ग डायरेक्टली फ्रॉम द करंट अफेयर न्यूज पेपर टीन एज इनवास्ट वॉज इन न्यूज हेल्स फ्रॉम स्वीडन स्वीडन से ये करती, ए, कर, रिलेट करती में चल रहा था ये तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे गए हैं 65 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं 65 में से आपने अगेन देखा होगा पांच क्वेश्चन के अलावा 60 क्वेश्चन पॉलिटिक जोग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री लेके चल रहा है और करंट अफेयर अभी तक इकोनॉमी दिखे वो भी बिल्कुल सिंपल. एक वाले पार्ट के रेदर देन द बेस वन द स्टैटिक वन क्योंकि इकोनॉमी के करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू द स्टैटिक वन इन सेप्टेंबर टू पेपर हुआ फरवरी दो में 2019 के करंट अफेयर्स पूछे हुए हैं एज आई सेड कि इस बार वाले पेपर के लिए जनवरी से सितंबर के करंट अफेयर्स करने हैं बिकॉज़ पेपर है हमारे पास नवंबर में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिवल जायंट्स डिक्लेयर्ड इटसेल्फ बैंकक्रप्ट बैंकक्रप्ट डेट हो गया दिवाला दिवाल ठीक है थॉमस कुक जिनकी एक सब्सिडियरी एसओटीसी इंडिया में भी डील करती है ठीक है दिवाला निकल गया थॉमस कुक बैंकक्रप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द द फॉलोइंग वन बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड ऑफ द फीफा फुटबॉल कप दो हजार उन्नीस अगेन 2019 का क्वेश्चन हजार 2020 में पूछा गया है जिनका अभी थोड़े दिनों पहले नाम भी चल रहा था लियोनेल मेसी मेसी जिन्होंने अभी रिटायरमेंट भी ले लिए दूर हो गए हैं वो ठीक है तो यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्ट्स पार्ट क्लियर नेक्स्ट अब आया 68 पर जाकर थोड़ा सा एक जोग्र इकोनॉमिक्स एक, का डीप में क्वेश्चन पर वो भी इतना डीप नहीं है जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो एन इकोनॉमिक्स इफ अ डायग्राम एज अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड एज 45 डिग्री एंगल विद ईदर एक्सेस इट इज असर्टेड डेट एक्स इक्वल टू वाई एक्स इक्वल टू वाई यहां पर ये यह बता रहा है कि एक्स इक्वल टू वाई है ये पूछ रहा है क्या करा एक्स इक्ल टू वाई के लिए बोथ वेरिएबल आर इन एटलीस्ट वन यूनिट डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं एक्स इक्वल टू वाई देट मीन दोनों सेम यूनिट के हैं, तभी तो बराबर हो रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैश रिजर्व रेशियो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कैश रिजर्व वो पैसा जो बैंक को रिजर्व रखना है विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैश रिजर्व द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड एंडिटी स्टेट बैंक नॉट एट ऑल द शेयर ऑफ दिस हैव टू बी बैलेंस विद द आरबीआई क्वेश्चन यहीं पर खत्म था आरबीआई के पास रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट कैश रिजर्व रेशियो एस एल आर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट the share of this that have to hold with their cash reserves not at all the ratio of this raj jobs not at all with the answer kya hai rbi rbi ke paas jo paisa yahan par bank ko rakhna hota hai kuch portion cash reserve so that emergency mein wo baad mein use kara ja sake so that is called crr repo rate jis rate par bank paisa leta hai from the rbi ठीक है जिसमें वापस आता है that is called reverse repo rate, जिनके बीच में एक परसेंट का difference रहता है interest rate पर ओवरनाइट पर्प के लिए लेता है क्वेश्चन आ गया इट इज इंटरेस्ट रेट चार्ज द सेंट्रल बैंक ऑफ ओवरनाइट लोन एब्सोल्युटली राइट यहां पर पूछा नॉट ठीक है इट इज इंटरेस्ट रेट पेड बाय द कमर्शियल बैंक ऑन ओवरनाइट बोरविंग एब्सोल्युटली राइट इंटरेस्ट भी तो वापस करेगा बैंक बैंक कह रहे हैं आरबीआई को कि भाई तुम मुझे सौ रुपए दे दो हम आपको रुपए रुपए देंगे इंटरेस्ट रेट देंगे आप वापस इट इज द इंटरेस्ट रेट एग्रीड अपॉन इन द लोन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक ये चेंज करा जा सकता है इट इज नॉट दैट एग्रीड अपॉन द लोन कॉन्ट्रैक्ट ये कुछ लिख के नहीं आया है इट इज द कॉस्ट ऑफ कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी ये सिक्योरिटी है कि इसके बदले में आपको देना होगा आंसर इज सी इट इज नॉट करेक्ट इज नॉट एग्रीड अपॉन एज अ लोन कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच फॉलोइंग बिगेस्ट कॉज ऑफ द इंसिडेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ फीमेल इस क्वेश्चन को अगर आप सेंस ना भी पढ़ते तो भी देते इंप्लॉयमेंट, एजुकेशन मैरिज बिजनेस आपको पता है सबसे मेन रीजन लड़कियों का क्या है मैरिज द बिगेस्ट रीजन ऑफ द इंसिडेंट ऑफ माइग्रेशन माइग्रेशन का है मैरिज नेक्स्ट द बेसल बेसल कन्वेंशन स्विट्जरलैंड की जगह है बेसल बेसल जहां से हमारे रॉजर फेडर भी आते हैं ठीक है द बेसल कन्वेंशन एम एट प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का सीधा करंट बेस का क्वेश्चन आ गया करंट बेस का क्वेश्चन है इन्वायरमेंट का भी कह सकते हो करंट बेस का भी हेजार्डस वेस्ट पीओपी मर्करी केमिकल इन पेस्टिसाइड्स आंसर इज द हैजार्डस वेस्ट्स ठीक है पीओपी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स इसके लिए हमारे पास है स्टॉकहोम कन्वेंशन केमिकल इन पेस्टिसाइड्स के लिए हमारे पास है रोटर डैम कन्वेंशन ये कन्वेंशन भी याद रखनी है ये कन्वेंशन भी याद रखनी है और ये तो मैंने बता दी बेसल कन्वेंशन विद द हैजार्डस वेस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द यहां पर एनवायरमेंट कह लो या का करंट अफेयर बिकॉज ये कन्वेंशन की मीटिंग हुई थी तो दे हैव दिस क्वेश्चन जिसे हम एक इसमें वाले पार्ट में भी कह सकते हैं नेक्स्ट सौभाग्य so, 2021 के पेपर में भी आया 2020 के पेपर में भी आया अ गवर्नमेंट इंडिया स्कीम रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया एक साल के अंदर हमने किया भी था ये अचीविंग द यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन सौभाग्य क्लियर बार बार ये रिपीट हुआ क्वेश्चन प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना नेक्स्ट क्वेश्चन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एमपी लैड्स एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट जिसमें पांच करोड़ रुपए मिले जाते हैं हर एमपी को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करने के लिए उसके रिगार्डिंग ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है नहीं यह है ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन अब सुनो मेंबर ऑफ पार्लियमेंट एम पी सेंक्शन पांच करोड़ मिलते हैं एग्जीक्यूट एंड कंप्लीट द वर्क अंडर द स्कीम वो सारा का सारा काम इसमें कंप्लीट करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जो नॉमिनेट होते हैं बारह होते हैं हमारे पास ठीक है राज्यसभा में ओके कैन रिकमेंड वो दो एंग्लो इंडियन हो गए हमारे लोकसभा में जो अब हट चुके हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन रिकमेंड वर्क फॉर द इंप्लीमेंटेशन एनी वेयर इन द कंट्री कहीं पर भी कर सकते हैं द स्कीम इज फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है जो इलेक्टेड मेंबर है वो तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करेंगे नॉमिनेटेड के पास पार है कि वो कहीं पर भी कर सकते हैं द एनुअल इंटायरमेंट इज द पांच करोड़ अब पूछा कौन सी सही नहीं है अब इसमें नंबर वन जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है क्यों नहीं है बताता हूं जो एम हैं वो सेंक्शन कर सकते हैं वो रिकमेंड भी कर सकते हैं कि ये काम करना है बट जो इसकी एग्जीक्यूशन है एग्जीक्यूशन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बताएगी कि कौन करेगा MPs इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे वो खाली मनी को देंगे वो वो यहां पर सेंक्शन करेंगे वो करेंगे रिकमेंड भी काम को बट एग्जीक्यूशन जो होगी वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के थ्रू ही बताया जाएगा कि कौन करेगा तो आंसर इज ए विच इज द फॉलोइंग अर्लिएस्ट लॉन्च स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें से अगर आप ना भी बताऊं मैं तो आप एक स्कीम को बहुत बहुत पहले से सुन रहे हैं दस साल से सुन रहे होंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सन दो हजार बीस, बीस इक्कीस साल हो गए हैं चलो क्वेश्चन दो हजार बीस में पूछा गया है बीस साल ठीक है तो आप बहुत टाइम से सुन रहे होंगे अपने स्कूल टाइम से कि सड़क योजना बन रही है एंड इसमें क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था कि ग्रामीण की जो सड़क है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट के अंदर नहीं आती है ठीक है संसद आदर्श ग्रामीण योजना एक ग्राम आपको लेना है गांव लेना है उसकी आपको डेवलपमेंट करनी है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना दोनों की दोनों स्कीम 2014 लेटेस्ट स्कीम जब गवर्नमेंट मोदी जी की गवर्नमेंट बनी थी पहली बीजेपी की 2014 में आई थी उसके बाद दीनदयाल अंत्योजना योजना अराउंड 2011 में ये आई थी सो द लेटेस्ट वन अर्लिएस्ट वन इज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ग्रामीण सड़क योजना से एक क्वेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी में भी आया था जो हमने कल डिस्कस किया था कि इससे क्या कम हो रही थी पावर्टी कम हो रही थी बिकॉज वो मेन लैंड के साथ कनेक्ट कर रहा था अब रूट को जो कि पहले नहीं था विच आर दिगार्ड टू द फंक्शनिंग ऑफ पंचायत इज नॉट करेक्ट पंचायत से पांचवा क्वेश्चन आ गए पॉलिटी में आप देख रहे हैं खाली पांच क्वेश्चन पंचायत लेके गए अपने ऊपर पंचायत्स में लिवाई, कलेक्ट और टैक्सेस, ड्यूटीज एंड एब्सोल्युटली राइट यहां पर पूछा गया है नॉट नॉट ठीक है एज ऑफ एलिजिबल टू मेंबर ऑफ पंचायत सेकंड स्टेटमेंट एवरी पंचायत शेल ऑर्डर फाइव इफ इट्स फर्स्ट मीटिंग पांच साल जिस दिन से डेट हुआ है a पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मेच्योर रेजोल्यूशन कंटिन्यू ऑनली फॉर द रिमेनिंग ऑफ द फोल पीरियड जो प्री हट गई है तो उसके बाद जो पंचायत बनेगी वो खाली रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए ही आएगी अब ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन कि इसमें से सही नहीं कौन सा सही नहीं है तो आंसर विल बी द बी वन बिकॉज पंचायत के इलेक्शन के लिए 21 ईयर के ऊपर वाला पर्सन भी लड़ सकता है नॉट नेसेसरी कि वो 25 का ही हो अ पर्सन सर्टीन ट्वेंटी विल बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत बट इसके साथ ही एक और कंडीशन लगाई गई है कि अगर वो इक्कीस को पार कर चुका है तो वो आ सकता है सो नॉट करेक्ट इज दिस बट अगेन थिंग दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम पंचायत सेम टॉपिक पंचायत। 2021 के पेपर में चार क्वेश्चन पंचायत के दिखे थे हमने यहां पांच हो चुके हैं अभी तक विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम नरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम टू थाउजेंड सिक्स में ये लॉन्च की गई फ्रॉम द कांग्रेस गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग 100 डेज ऑफ स्किल लेबर इन अ फाइनेंशियल फाइनेंशियल ईयर ईयर एक में जो मार्च में जाके खत्म होता है क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स इनहांसिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी इंश्योरिंग एम्पावरमेंट टू द वुमेन बिकॉज यहां पर काम मिल रहा है सौ दिन के लिए तो आप कहोगे सर चारों ऑप्शन ठीक तो लग रहे हैं उसमें अब यहां पर देखो एक वर्ड कैसे खेला गया स्किल्ड लेबर यहां पर क्या काम दिया जाता है अनस्किल्ड वन एक स्टेटमेंट के साथ यू एन बस हटाया है ऑप्शन डाल दिया गया तो प्लीज स्टेटमेंट को जैसे मैंने पूछा है नेवल एक्सरसाइज वाला आपको बताया है कि आप स्टेटमेंट पढ़ लेंगे आपको लगेगा ये तो अभी तो पढ़ा था कहां पर गलती होगी नेवल और आर्मी में यहां पर पढ़ लेना इट इज अड लेबर नेक्स्ट विच दिंग इज नॉट अ लैंड यूज कैटेगरी इज नॉट अ लैंड यूज कैटेगरी कौन सा है तो so, यहां पर डायरेक्ट आंसर है तो मार्जिनल लेंड

थोड़े से पोर्सन के लिए जो आप अपने खुद के प्रोड्यूस के लिए की जाती है ओन ठीक है है सो इज नॉट अ टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर ये नहीं हो सकती डेयरी फार्मिंग ग्रीन फार्मिंग लाइफ स्टॉक नाम से पता लग रहा है कि कमर्शियल के लिए यूज होगी इज द फॉलोइंग दिवर ज्वाइंट गंगा डायरेक्टली डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम इलेवेंथ क्लास फिजिकल ज्योग्राफी आंसर इज द सोन क्लियर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ये सोन रिवर अमरकंटक प्लेट्यू से आती है नर्मदा सोन महानंदा थ्री रिवर्स फ्रॉम द अमरकंटक रिवर एंड अमरकंटक प्लेट्यू एंड हमने किया था कि ऊपर वाले प्लेट्यू से अगर नीचे की तरफ आ रही है दैट इज कॉल्ड द रेडियल पैटर्न ट्रिलिस पैटर्न किया था कल हमने रेडियल पैटर्न किया था रेक्टेंगुलर किया था डेंड्रेटिक किया था अमरकंटक द सेम वन आंसर इज सोन द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट ऑफ एरेबल लैंड डायरेक्ट क्वेश्चन टोटल लैंड पॉपुलेशन ओवर द लैंड इज नोन एज फिजिकल डेंसिटी इकोनॉमिक डेंसिटी तो टर्म ही इकोनॉमिक से जुड़ गई ठीक है अर्थमेटिक होती है क्रूड डेंसिटी एग्रीकल्चर डेंसिटी का कोई मतलब नहीं है सो द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट ऑफ एरेबल लैंड इज नोन एज फिजॉजिकल डेंसिटी ट्वेल्थ क्लास की एग्रीकल्चर की बुक का डायरेक्ट डेफिनेशन ग्लॉजरी में से क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म इंडियन स्टेट इज डिस्क्राइब वन स्टेट मेनी वर्ड इस क्वेश्चन को वो कर पाएगा जो टीवी को लगातार देख रहा है एड्स को जैसे वाइब्रेंट गुजरात लगातार एड आती है इनक्रेडिबल हिमाचल प्रदेश आंसर एयर इज द कर्नाटका कुछ दिन तो बताओ गुजरात में सेम लाइन पर क्वेश्चन आया है स्टेट मेनी वर्ड आंसर इज कर्नाटका वन एड्स बेस्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट की एड जो आप देखेंगे न्यूज पेपर में यह क्वेश्चन वहां से उठा हुआ है डायरेक्ट नियब इज फॉनली माउंट इन दरुणाचल प्रदेश ये क्वेश्चन आप कहोगे सर ये एकदम से कैसे आ गया तो मैं आपको जो बता रहा हूं कि लास्ट में जो आपको लूसेंट और अरिहंत में से स्टैटिक पार्ट करना है रिवाइज करने के लिए कौन सी ट्राइब कहां पर है कौन सा हेडक्वार्टर कहां पर है कौन सा रेलवे का जोन कहां पर है ये आपको क्वेश्चन मिलेगा वहां पर अरुणाचल प्रदेश इन द रीजन ऑफ ईस्टर्न शोर ऑफ एड्रियाटिक सी इटली वाले पार्ट के वहां पर अ कोल्ड एंड अ ड्राई विंड फ्लोइंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन इज नोन एज बोरा अब यहां पर मैं आपको कहूं अगर कि तीन तरह की विंड्स होती हैं फर्स्ट इज द परमानेंट विंड्स जो हमने करा यहां पर ट्रेड विंडस ईस्टर्लीज डन एंड एक हमारे पास आती है लोकल विंड एक हमारे पास आती है टेम्परे विंड ठीक है लैंड ब्रिज सी ब्रिज सब कुछ आ गया लोकल विंड्स जो होती हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी का पेपर में दिखेगा लोकल विंड्स का फॉर एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड की फेमस करनी है हमने जिसमें से कुछ कोल्ड है कुछ हॉट है इंडिया में जो फेमस है नॉर्थ वाले पार्ट में हमारे पास आ जाती है लू जो कि वाटर मेलन और बस्क मेलन के लिए बहुत जरूरी होती है सेकेंड हमारे पास ये वाला पोर्शन आ गया केरला जहां पर हमारे पास आ गया मैंगो शावर जो राइपनिंग ऑफ मैंगो के लिए काम आती है यहां पर हमारे पास आ गया कर्नाटका जहां पर हमारे पास आ गई चेरी ब्लॉसम चेरी ब्लॉसम जो कॉफी के लिए बहुत फेमस होती है यहां पर हमारे पास असम और बंगाल में आ गई काल बैसाखी या फिर नॉर्वेस्टर जो कि जूट के लिए बहुत फेमस होती हैं। तो बोरा इंटरनेशनल लेवल पर आ गई यहां पर हमारे पास और ये इंडिया की है लू काल बैसाखी न्यू ईयर के लिए शुरू होता है नॉर्वेस्टर जूट के लिए कर्नाटका चेरी ब्लॉसम कॉफी केरला मैंगो शावर फॉर द राइपनिंग ऑफ यहां पर मैंगोस के लिए आती हैं एंड ये प्री ग्रेजुअल मॉनसून मॉनसून से पहले यहां पर डेवलप होती हैं लोकल विंड्स आफ्टर मॉनसून नहीं होंगी ये ड्यूरिंग मॉनसून नहीं होंगी ये नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग मंगोल लीडर्स और कमांडर डिड नॉट क्रॉस इंडस टू अटैक इंडिया डायरेक्ट आंसर था चंगेज खान जो तीन महीने तक तो इंडस में रहा कि मैं आगे बढ़ूंगा बट उसके बाद वापिस चला जाता है एंड ही डाइट नॉट क्रॉट से मुगल से चल रहे मेडिबिल के जो क्वेश्चन ब्रेकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द पॉर ऑफ तुर्कान ए चिल्गान ये क्या थार्स ऑफ ठीक है बनाया था ये तो डिस्ट्रॉय करेगा नहीं के बाद आंसर बनबन डिस्ट्रॉयटेड बाई एलिशन ऑफ इंडियन ऑफ द ऑरिएटल आर्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है अबिंद्राथ टैगोर अबिंद्राथ टैगोर फाउंडेड इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरियंटल आर्ट कब किया था 1907 में 1907 सो सात इंपॉर्टेंस क्या है सूरत का सेशन जब मॉडरेट और एक्सट्रीमिट्स दूर हो गए थे उसके बाद लखनऊ सेशन में मजूमदार के अंतर्गत ये दोनों के दोनों मिल गए थे सो दिस इज हाउ यू हैव टू कनेक्ट द थिंग्स विच द फॉलोइंग डिमांडेड बाय ऑल इंडिया डिपरे क्लासेस कॉन्फ्रेंस एट बॉम्बे 1931 1931 एक चीज के लिए और फेमस था मैंने आपको बताया था कराची सेशन जिसमें पहली बार फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई 1931 का सेशन कराची सेशन अभी पूछ रहा है कि कौन से डिमांड करी गई थी फ्रॉम द ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस कॉन्फ्रेंस एट द बॉम्बे ठीक है जिसको अंबेडकर जी भी बहुत वो फेवर करते थे यूनिवर्सल एडल्ट सफराज, सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर द अनटचेबल्स रिजर्व सीट फॉर द माइनॉरिटीज यूनिटरी स्टेट इन द इंडिया आंसर हेयर इज द बी फॉर द अनटचेबल्स अनटचेबल्स के लिए किया था आर्टिकल सेवनटीन क्लियर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? रिजर्वड सीट्स

थर्टी 1935. आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसमें माइनोरिटी कम्युनिटीज के लिए वुमेन्स के लिए यहां पर सीट्स को बढ़ाया गया था एंड रिजर्व किया गया था ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर 1929, 1929 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो कहां पर हुआ था लाहौर में ठीक है पूर्ण स्वराज जब 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया गया था वही पूर्ण स्वराज 1929 सेशन मोस्ट नाइन सेशन कुछ सेशन बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे आपको 1924 सौ 1931 उन्नीस सौ पहली बार गांधी जी ने बेलगाम बैलगांव जो फेमस है एक अपने सैनिक स्कूल के लिए बहुत फौजीज है वहां से ठीक है 24 का सेशन गांधी जी ने तो इस तरीके आपको से आपको सेशन याद रखने पड़ेंगे और कनेक्ट रखने पड़ेंगे विच ऑन द फॉलोइंग साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस दुनाइजेशन इम्यूनाइजेशन किसने किया था एडवर्ड जेनर अब पूछोगे सर ये क्वेश्चन कैसे आया है तो ल्यूसेंट अरिहंत का स्टैटिक पार्ट जब पढ़ोगे ये क्वेश्चन दिखेगा आपको एंड इम्यूनाइजेशन से एक चीज जीएस के लिए बता देता हूं आपको इंद्रधनुष न्यूज में है प्लीज पढ़ लीजिएगा टू पॉइंट नॉट विच ऑर दिल डायरेक्ट क्वेश्चन था ये माइक्रोकॉन्ट्रियान बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था बायो का बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन आप देखा होगा दो या तीन आए हैं एज आई सेड साइंस वाले पार्ट में डील करेगा ज्यादा बायो Which is the following end endocrine glands is not found in a pair in the humans? कौन से ग्लैंड हैं जो पेयर में नहीं मिलते हैं Adrenal, pituitary, testis, ovary. आंसर इज़ द pituitary जो आपका hypothalamus ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है ये pairs में नहीं होता है राइट आंसर हि ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका साइंस का बिल्कुल डायरेक्ट विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंसर इन दूर इन द्यूमन बॉडी किडनी विच फिल्टर द ब्लड एंड हेल्प इन दूरिनेशन ठीक है फिल्टर करते हैं ब्लड को किडनी यूरेटर यूनरी ब्लेटर यूरिथ्रा किडनी यूरिब्लेटर यूरेटर यूरिथ्रा ठीक है किडनी यूरेटर यूरिथ्रा यूनिब्लैडर यूरि ब्लेडर किडनी यूरिथ्राइ और यूरेटर। अब साफ सी बात है इस क्वेश्चन को जब आप डिस्कस करेंगे अपना दिमाग लगाएंगे रे तो सबसे पहले तो किडनी फिल्टर करेगा ब्लड को तो ये ऑप्शन तो गेम से बाहर हो गया ठीक है उसके बाद यूरेटर आया हमारे पास फिर वहां से यूरिन ब्लैडर तक गया एंड फाइनली यूरिथ्रा सबको पता होगा जब साइंस आप पढ़ोगे फाइनल स्टेज यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन पास हो गए ठीक है तो आंसर इन दोनों में से था ये दोनों ऑप्शन गेम से बाहर हो चुके थे अब था कि पहले ब्लैडर के पास की यूरेटर के पास तो यूरेटर ब्लैडर एंड ब्लैडर के बाद सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द बायो पार्ट नो कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस क्वेश्चन कोई दिमाग नहीं था इसमें नेक्स्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड फॉर द रेडियो कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन जब लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर करेंगे वहां भी आएगा फिजिक्स करेंगे वहां भी आएगा आंसर हेयर इज द रेडियो वेव्स डायरेक्ट क्वेश्चन था जब मीजो स्पेयर आइनो स्पेयर हम करेंगे तो हम ये डायरेक्ट करेंगे रेडियो कम्युनिकेशन सेटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए वी यूज रेडियो वेव्स तो आप इसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन लगा लीजिए आप इसे फिजिक्स का क्वेश्चन लगा लीजिए क्वेश्चन दोनों साइड से बहुत ईजी है रेडियो वेव्स द रजिस्टिविटी पी ऑफ द मेटीरियल में बी एक्सप्रेस्ड एज सबको ये फॉर्मूला याद होगा स्कूल टाइम से बिल्कुल स्कूल के बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे कोई दिमाग नहीं था इसमें तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन था एज फार एज द साइंस पार्ट इज कंसर्न आपने स्कूल में किया होगा टू सी प्लस टू सेवन थ्री ये तो मुझे अभी तक याद है तो ये आपने सारे फिजिक्स के जितने भी इवन एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे ये आपको सबको याद होगा पेंडुलम वाला पार्ट सिंपल पेंडुलम ठीक है इफ एक्स इज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इन केल्विन केल्विन है ये एक्स की वैल्यू होगी वाई इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इन सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड हो गया प्लस 273 हो गया एक्स इक्वल टू ऑप्शन बी वाई प्लस 273 इज द राइट आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन था कोई दिमाग नहीं था इसमें ये आपने आपकी ऑब्जर्वेशन या आपके लिए जो आपने स्कूल टाइम पे पढ़ा हुआ है वो है नेक्स्ट सिल्वर आर्टिकल बिकम्स ब्लैक ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ है हमारा 2021 के कि सल्फर के कारण होता है सिल्वर ब्लैक रस्टिंग ऑफ दिस ठीक है व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर बिकॉज अब देख लो अब यहां सिल्वर डाइऑक्साइड विद अ कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी में भी आया है है कि कैसे रस्टिंग होती है, किस, किस सब उससे, एलिमेंट से अगर आपने ल्यूसेंट और अरिहंत भी पढ़ी होगी तो भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो ब्लू विट्रोल है कॉपर सल्फेट डॉट फाइव एच टू ओ ये हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म क्रिस्टल बनाता है या फिर एफ ई एस ओ फोर डॉट एच टू एच टू ओ ब्लू विट्री ऑल एंड दिसन विट्री ऑल एफ एसओ फोर या फिर सोडियम कार्बोनेट यही हमारे पास क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनाते हैं ये आप सबको पता होगा कि ये तीन ही कम बनाते हैं तो आंसर है फाइव नीला तोता ब्लू विट्री याद रखना है आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा नीला तोता कॉपर सल्फेट डॉट फाइव एच टू ओ marked the following most simplest question of this paper of the science bleaching powder caocl2 ठीक है नेक्स्ट अब हो गया ए का 4 अब ए का 4 देखो गेम खत्म अब रह गए दो ऑप्शन ए और बी अब बी का या तो 1 है या 2 है इन दोनों को पढ़ लिया तो इन दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हां अगर बी नहीं पता तो सी पे जाना आप, अब आ गया बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, नेक्स्ट आ रहा है सोडियम कार्बोनेट ठीक है सो बी इज वन वन वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट स्लेकेट लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द केमिस्ट्री पार्ट एब्सोल्युटली डायरेक्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी डांडी मार्च महात्मा गांधी जी का नाम आते ही आपके मुंह में केक आ जाना चाहिए चंपारण अहमदाबाद खेड़ा सीक्वेंस में आएगा लगाने के लिए आपको पता हो अ ग्रेट इवेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल वाज एसोसिएटेड विद सबको पता है नमक के पीछे लड़ाई हुई थी एन ए सी एल एंड में जो गांधी इर्विन का पैक्ट हुआ था उसमें कहा गया था कि salt, को आपको हटाना पड़ेगा एंड जो नॉन वायलेंट हैं उनको आपको छोड़ना पड़ेगा उसके बाद ही आपने देखा होगा कि सेकंड आरटीसी में कांग्रेस गई थी तो सोडियम एंड सेम लाइन पर साउथ में गांधी जी के सेम लाइन पर गोपाल चारी जी ने साउथ में सोल्ट मार्च चलाई थी ये क्वेश्चन भी अगर पेपर में आ जाए तो ऑन द सेम लाइन एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन विदिवल एज सबसे पहले मिक्स होता है विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड इसमें क्वेश्चन ह्यूमन स्टमक का भी मैंने देखा आया हुआ था एच ये क्वेश्चन बिल्कुल केमिस्ट्री के स्कूल बेस्ड क्वेश्चन थे जिन पे कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी बेसिक एनसीआर थ क्लास की नाइन्थ की और थोड़ी टेंथ की सेवेंथ नाइन टेंथ ये तीन एनसीआर और ल्यूसेंट इसके बाद साइंस का कुछ भी नहीं आएगा नेक्स्ट द द फॉलोइंग इज एनर्जी करेंसी एनर्जी करेंसी आप शुरू से ही पढ़ रहे होंगे ए टीपी ट्राइफॉस्फेट एटीपी इज द एनर्जी करेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन ये डायरेक्ट क्वेश्चन था कोई घुमा के नहीं पूछा हुआ वेन द एयर इज ब्लॉन फ्रॉम द माउथ अ टेस्ट कंटेनिंग लाइम वॉटर द लाइम वॉटर टर्न मिल्की हो रहा है कोई दिमाग नहीं लगाने दे रहा, कोई पर आपको बिल्कुल डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बेस क्वेश्चन दे रहे हैं फॉलोइंग इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स प्लांट्स में का? अब इस क्वेश्चन को अगर एक झटके में खत्म करना होता तो लास्ट में जो भी प्लांट्स में, प्लांट में हुई पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, लास्ट में क्या होगा सीड आएगा सीडलिंग आपने देखा होगा सीडलिंग खाली एक ही टॉप इसमें था मैं अगर आपकी जगह होता तो इसको एक झटके में ही खत्म कर देता ठीक है पहले पॉलिनेशन फिर फर्टिलाइजेशन होगी फिर डिवीजन ऑफ द होगी, फिर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय होगा एंड लास्ट में हो जाएगी। दिस इज़ द प्रोसेस सेक्सुअल प्रोडक्शन इन द प्लांट्स। ठीक है तो दिस इज द सिडलिंग को ही देख के ये ऑप्शन खत्म हो जाना चाहिए था फॉलविंग एनिमल्स थ्री चैम्बर हार्ट डायरेक्ट क्वेश्चन था अगर आपने एट क्लास की सॉरी नाइन्थ क्लास की जो मैंने बायो की बुक है वो अगर आपने देखी होगी तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा सिलमेंडर व्हिच हैज अ थ्री चैम्बर्ड हार्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपिडेमिक डिजीज अब देखो मैंने कहा था एपिडेमिक कोविड से रिलेटेड या तो एपिडेमिक एक्ट आएगा पक्का आएगा या हु डिक्लेयर्स द एपिडेमिक एंड पैंडेमिक या फिर इस इन्होंने ये क्वेश्चन

नेक्स्ट, विच वन इज द फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ द स्प्रिंग मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन का स्कूल में आपने सबने पढ़ा होगा बेसिक्स है किसकी है ठीक है रेडियो वेव हमने पढ़ीलाइट कॉम्युनिकेशन के लिए विजिबल लाइट इंफ्र रेड अल्ट्रा वायट यू रेस ठीक है जिसको ऑजोन एब्जॉर्ब करता है शॉर्टेस्ट वेव लेंथ इफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन दी पॉइंट एट सबको पता है लाइट इन दीक है स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम इंडेक्स थ्री बाई टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है स्पीड ऑफ द लाइट इन दिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम Index कितना दे दे रखा है? है? की 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 कितनी रखी ये हमने निकालनी है एक्स को मैं उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा ये थ्री इंटू टेन की पावर एट डिवाइडेड बाय थ्री ऊपर ले गया और टू इधर पे ले गया ठीक है थ्री थ्री कट गया टू इंटू टेन की पावर एट सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल कोई हाथ पांव कोई स्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन नहीं आ रहा कोई ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम मीडियम पूछा था ये दे रखा था बस चेंज करना था एंड आंसर आ गया लास्ट 10 क्वेश्चंस इन अ पेरिस्कोप द टू प्लेन मिरर आर ऑलवेज parallel to the each other अब ये क्वेश्चन आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये कहां से पूछ लिया इन्होंने तो ये अब अगेन मैं आपको बार-बार रिपीट कर रहा हूं ये कि एनसीईआरटी खत्म होने के बाद लास्ट के कुछ दिन रिवीजन के अरिहंत या लूसेंट में से कोई एक बुक लेना एंड एक रिवाइज करना तो ये जो बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस हैं ये आपको वहां पर दिख जाएंगे

प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड पिच ऑफ द साउंड पिच किससे होती है आपकी फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल ठीक है, उतनी ही ज्यादा होगी बिल्कुल डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था कि पिच का इससे क्या मतलब है मैच द ये अगेन आपका डेली बेस जो आप घर पे देखते हैं वो है बोरिक एसिड सिट्रिक एसिड मैग्नीशियम एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड का बेस्ट एग्जाम्पल विनेगर अब पता हो तो विनेगार हम पिकल में यूज करते हैं सो सोड बैक्टीरियल फॉर्मेशन ना हो सो डैट सोर टेस्ट जो है अचार को वो दिया जा सके सो so, अगर मैं कहूं तो डी का फोर है तो ये तो हट गए बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक में यूज होता है ए का वन एसिड फूड प्रिजर्वेटिव में यूज़ होता है टू मैग्नीशियम एंटासिड हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है अगर मैं ऑब्जर्वेशन में भी, भी नहीं लेके आना है आपको क्योंकि मैं इसे ऑब्जर्वेशन में लेके जा रहा हूं अगर नहीं लेना है तो आपकी केमिस्ट्री की डायरेक्ट कवर कर रही है इस चीज को विच ऑफ फॉलोइंग इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन स्टमक एज आई सेड डी पेपर में आया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच एंड फॉर्मिक एसिड तो आपको पता ही होगा बहुत फेमस है आंट्स स्ट्रिंग ठीक है जब काटती है हमारे पास मधुमक्खी फॉर्मिक एसिड अ सॉल्यूशन हैविंग पीएच इक्वल टू जीरो पीएच जीरो का मतलब क्या है जब हाइड्रोजन आइंस ज्यादा होंगे इट बिकम्स एसिडिक जब हाइड्रो ऑक्साइड ज्यादा होंगे इट बिकम्स बेसिक जीरो का मतलब क्या होगा इट विल बी द हाइली एसिडिक सेवन इज द न्यूट्रल वन जीरो इज द हाईएस्ट एसिडिक फोर्टीन इज हाईएस्ट एल्केलाइन वन यहां पर कई बार ब्लड की पूछ लेते हैं वो अराउंड सिक्स पॉइंट थ्री फोर है या सेवन पॉइंट है वो आप ल्यूशन अरियन से पढ़ कई बार ब्लड की पीएच वैल्यू पूछ लेते हैं डायरेक्ट सो आंसर विल बी हाईली एसिडिक फॉलोविंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट फिजिबल यह केमिस्ट्री का एक वो क्वेश्चन था जिसमें अगर आपको थोड़ी सी भी एक नॉलेज होगी कॉपर और लेड के बारे में आप बता देंगे डायरेक्ट एफ ई प्लस सीओ एसओ फोर कॉपर सल्फेट एफ ई एसओ फोर प्लस कॉपर जेन प्लस कॉपर सल्फेट जेन सल्फेट प्लस कॉपर कॉपर प्लस टू कॉपर क्लोराइड प्लस पीबी कॉपर यहां पर जो लेड है उसको ये रिप्लेस नहीं कर सकता है लेड इज मोर रिएक्टिव तो ये उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है पूछा है नॉट नॉट फिजिबल फिजिबल सो दिस क्योंकि वो उसको रिप्लेस ही नहीं कर सकता बिकॉज इट इज लेट इज रिएक्टिव वन सो आंसर इज सी विच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग आर द आइसोबार अब इसको तो 0.1 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए था आइसोबार क्या होते हैं जिनका मास नंबर सेम हो एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो मास नंबर सेम वाले है कौन यहां पर एक ही तो है आर्गन प्लस द कॉपर खत्म था क्वेश्चन कोई आगे डाउट ही नहीं था इसमें आइसोबार सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर का एक ही था डायरेक्ट लो हैंगिंग फ्रूट लोएस्ट हैंगिंग स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय अ थिन सजेस्ट प्रेजेंस ऑफ ये क्या प्रेजेंस कर रहा है स्कैटरिंग ऑफ़ अल्फा पार्टिकल्स अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन इट चार्ज चार्ज पॉजिटिवली न्यूक्लियस एट सेंटर ऑफ एटम सो हमारा एक पेपर और डिस्कस हो गया है आज अगेन अगर मैं ऑब्जर्वेशन दोबारा से बताऊं आपको तो आपने देखा इस बार भी पॉलिटी बायो पार्ट और थोड़ा सा केमिस्ट्री काल का हल्का पर डोमिनेट्स, करंट अफेयर्स एंड द मॉडर्न हिस्ट्री ये करने के बाद सत्तर से पचहत्तर क्वेश्चन तो फिर भी हो रहे हैं बाकी क्वेश्चन हमारे पास थोड़े से एंशियंट मेडिवल के और थोड़े से क्वेश्चन इकोनॉमिक्स हैं वो भी बिल्कुल सिंपल सिंपल एक हमारे पास डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन या फिर करंट अफेयर के क्वेश्चन सो अगर आप स्टिल मेरी जो स्ट्रेटेजी है मैंने आपको बताई है इसको फॉलो करेंगे मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आपके 40 नंबर जीके में 40 से 45 कहीं नहीं गए हैं कहीं मतलब कहीं नहीं गए हैं एंड जस्ट ऑब्जर्व 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 क्योंकि आपने साइंस के क्वेश्चन देखेंगे ऑल दो माई इज द जीके वन द जोग्राफी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर एंड इकोनॉमिक्स वन बट स्टिल साइंस के क्वेश्चन मैं भी इसमें शॉर्ट आउट कर पा रहा हूं बिकॉज वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है स्कूल बेस्ड क्वेश्चन है तो अगर आपने बेसिक्स एनसीआरटी भी पढ़ ली प्लस ल्यूसेंट और अरिहंत पढ़ ली तो साइंस के क्वेश्चन आपसे कोई नहीं छीन सकता करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको नहीं छीनने वो मैं आपको पूरी अश्योरेंस दे रहा हूँ कि करंट अफेयर्स को उसमें नेवल एक्स ये जितनी एक्सरसाइज हुई है एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे करने मैंने आपको बताया प्लस नौ महीने का आठ महीने का करंट अफेयर पेपर कोई नहीं छीन सकता कोई भी जीके मैं आपके 40 से 45 क्वेश्चन आराम से सही होंगे जो 25 25 का है हमारा टारगेट मिशन 20 नंबर लेने वो तो आपने देखा होगा कल के पेपर में और आज के पेपर में भी बहुत इजीली ही हो रहे हैं सो लेट मी कंक्लूड टूडे सेशन तो आज हमने सारा पेपर दूसरा पेपर सॉर्ट आउट कर लिया है एक पिछली बार किया था अब आपको प्रॉपर एक पिक्चर मिल गई होगी कि क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था स्ट्रेटेजी वाले में कि कहां कहां से फॉल करते हैं वहीं से आ रखे हैं सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एज वेल एज दी डी एस वन ट्वेंटी ट्वेंटी पेपर इज कंसर्न जय हिंद